हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश कुमार, आपका स्वागत है एग्री मेंटर्स चंडीगढ़ के यूट्यूब चैनल पे. और आप, जैसे आपको पता है कि आज अपन क्या करने वाले हैं, कि आज प्री पीजी का एग्ज़ाम है और सारे आप जोधपुर में मौजूद होंगे अपने अपने सेंटर पर. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं तीन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एंड स्टेटिस्टिक्स, इनके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है या बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर अपन डिस्कस करें, ठीक है ना? तो बिना कोई देरी अपन स्टार्ट करते हैं आज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन उठाता है कोई भी एग्जामिनर, तो वो उठाता है कोई भी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना? तो इंट्रोडक्शन का मतलब वो कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, उसके फादर किसको बोलते हैं, ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया सब्जेक्ट को, और जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स है वो किस साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट ने लिखी है. तो स्टार्ट करते हैं हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स. सबसे पहले आता है कि इकोनॉमिक्स शब्द है वो कहाँ से आया है. तो इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिका, ओइको नोमिका शब्द से बना हुआ है. अगर ओइकोनोमिकास को दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं तो ओइकोस और नोमोस, क्या बनता है, ओइकोस और नोमोस. अब ओइकोस का यहाँ मतलब होता है अपना हाउस होल्ड, क्या मतलब होता है, हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है अपना मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट. तो इकोनॉमिक्स का ग्रीक भाषा में अगर अपना अर्थ देखें तो क्या निकलता है अपना, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट. अब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट मीन्स कि जो भी कोई एक इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल का हाउस होल्ड है, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका अध्ययन किस में करते हैं, अपने इकोनॉमिक्स में करते हैं. तो इसलिए इसको क्या बोला है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट. अब दूसरी चीज आती है अपनी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, ठीक है ना? अब दो चीज आएगी इसमें, एक तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक आएगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, अपने एडम स्मिथ को बोलते हैं. किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो तो किया था अरस्तू ने, लेकिन उसके बाद एक साइंटिफिकली जो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था. और एडम स्मिथ ने किस में किया था, उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन. क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना? कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है, किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने लिखी है. इसमें इसने क्या किया है, पूरी इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना? और मॉडर्न फादर, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, जे एम किन्स को बोलते हैं. किसको बोलते हैं, जे एम किन्स को बोलते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की दो क्या है, अप्रोचेज है, एक तो थी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि जो पहले इकोनॉमिक्स को अपन किस किस पार्ट में पढ़ते थे, ठीक है ना? और वर्तमान में क्या है, अपन इकोनॉमिक्स को किस किस पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है? तो पहले पढ़ते थे तो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसमें क्या था, प्रोडक्शन, ठीक है ना? दूसरा था कंजप्शन, तीसरा था एक्सचेंज, और चौथा था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये चार पार्टों में अपन क्या करते, इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे, ठीक है ना? तो अब आपको ये भी यहां से क्वेश्चन भी उठ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स. तो आपको इसमें से तीन कोई ऑप्शन उठा के दे देगा और एक मिसिंग कर देगा. तो आपको क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि कौन कौन सी होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहां मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना? क्योंकि अपने पास क्या है, टाइम कम है और आपका भी एग्जाम बहुत ही नजदीक है, घंटे दो घंटे बाद बाद आपका एग्जाम है. अब बात करेंगे यहाँ ओनली फॉर किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की. तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होते हैं, अपने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, उनका अपन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना? और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बताओ आप. पहला आता है अपना लैंड, ठीक है ना? दूसरा आता है अपना कैपिटल, ठीक है ना? तीसरा क्या है अपना, लेबर, और चौथा क्या है अपना, मैनेजमेंट, ठीक है ना? ये चार क्या है, फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन है। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसमें भूमि दे देगा, कैपिटल दे देगा, लेबर दे देगा, मैनेजमेंट मिसिंग कर देगा, ठीक है ना, या कोई भी इसमें से मिसिंग कर सकता है। या ये चारों देखने के बाद आपको चारों क्या क्वेश्चन में दे देंगे, लैंड, कैपिटल, मैनेजमेंट और लेबर किसके पार्ट है, इसमें से आपको ऑप्शन में दे देंगे प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो किसके पार्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो थी ट्रेडिशनल अप्रोच अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, या इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। अब आती है अपनी बात मॉडर्न अप्रोच की। तो कल्चर इकोनॉमिक्स में मॉडर्न अप्रोच कौन कौन सी है, तो मॉडर्न अप्रोच को किसने दिया था, रगनार फ्रिस ने दिया था। कब दिया था, 1933 या 1933 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स को अपन दो भागों में पढ़ते हैं वर्तमान में, क्या क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो कौन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो चीज़ अलग है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, माइक्रो मतलब माइक्रोस, माइक्रोस मीन स्मॉल, मैक्रो मैक्रो मीन लार्ज, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं अपन कि इनका क्या है दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं अपन, ग्रीक भाषा का शब्द है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज का एग्जाम है उसकी दृष्टि से। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों बोलते हैं अपन, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से रिविजन किए करिए अपने आप कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं अपन, इनकम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स को जब अपन क्या है डिफाइंड करने लगे थे, तो क्या पहले एडम स्मिथ ने डिफाइंड किया, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, किस में किया था, वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिखी थी उसमें। लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़ अपने इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ न कुछ कमी अपनी रह जाती है, वो क्या करते हैं जो आने वाले इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्टों ने पूरी की थी, ठीक है ना। तो वेल्थ से संबंधित परिभाषित सबसे पहले किया था इकोनॉमिक्स को, किसने किया था, एडम स्मिथ ने, और कौन सी बुक में किया था, वेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक है ना। तो धन से संबंधित परिभाषित किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहेगा, आपको डेफिनेशन देगा और आपको इकोनॉमिस्ट का नाम पूछेगा कि ये डेफिनेशन कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी थी, ठीक है ना। उसके बाद है अपना वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। तो वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी, अल्फर्ड मार्शल ने, किसने दी थी, अल्फर्ड मार्शल ने दी थी। और अल्फर्ड मार्शल ने एक बुक लिखी थी, कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज के एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले वेलफेयर से संबंधित जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, अल्फर्ड मार्शल ने, किसने दी थी, अल्फर्ड मार्शल ने, ठीक है। उसके बाद इसको क्रिटिसाइज करके अल्फर्ड मार्शल को स्कैर्सिटी से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी लियोन रॉबिन्सन, किसने दी थी, लियोन रॉबिन्सन ने, ठीक है ना। और ये जो डेफिनेशन है वो अपने क्या है इकोनॉमिक्स की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन मान सकते हैं। तो स्कैर्सिटी से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी, लियोन रॉबिन्सन ने दी थी, ठीक है ना। उसके बाद एक ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन भी दी थी इसको क्रिटिसाइज करके, वो किसने दी थी, सैमुएलसन ने। ये चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपको क्या होगा कि किससे संबंधित परिभाषित किसने किया था, ठीक है ना। तो वेल्थ से संबंधित किसने किया था, एडम स्मिथ ने, वेलफेयर से संबंधित अल्फर्ड मार्शल ने, स्कैर्सिटी से रिलेटेड लियोन रॉबिन्सन से, और ग्रोथ से संबंधित किसने दिया था, सैमुएलसन ने, ठीक है। अब देखो आगे, अब कोई भी जब भी अपन क्या करते हैं कोई इकोनॉमिक का इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कोई भी इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए अपने दो मेथड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो है इंडक्टिव और एक है डिटेक्टिव मेथड, ठीक है ना, इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड। ये आपको आज हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। जब अपन कोई भी चीज़ का जनरल से लेके पर्टिकुलर तक जाते हैं, एक जनरल स्टडी से लेके अपन एक बहुत ही छोटे उसके सार की तरफ जाते हैं, समरी की तरफ जाते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, डिटेक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव मेथड, ठीक है ना।
क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्टिव मेथड, कि जनरल से लेके अपन कहाँ तक जाते हैं उसको, एक पार्टिकुलर पॉइंट तक जाते हैं या एक सार तक जाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, पार्टिकुलर मेथड, ठीक है ना, क्या डिटेक्टिव। और इंडिटेक्टिव क्या होता है कि कोई कोई पार्टिकुलर चीज़ है, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकुलर चीज़ है उसको जनरल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, उसकी जनरल में स्टडी करेंगे, वो क्या हो जाएगा अपना, इंडिटेक्टिव मेथड। तो दोनों याद रखना, अगर याद नहीं रहे तो इसका शॉर्ट टर्म बता देता हूँ मैं, DGP, डिटेक्टिव जनरल टू पार्टिकल, DGP, ठीक है ना, ये तो याद रह जाएगा आपको, DGP, ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिल सकती है, ठीक है ना, वो क्या है, सेटेरस पेरिबस। क्या है, सेटेरस पेरिबस। जब भी अपन क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी एग्जाम्पन्स लेके चलते हैं, अगर ऐसा हुआ, ये चीज़ें ऐसे कॉन्स्टेंट रही, तो ये लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो अपन सारी चीज़ लिखने से, इतना बड़ा शब्द लिखेंगे उससे एक छोटा सा शब्द है वो क्या है, सेटेरस पेरिबस। तो सेटेरस पेरिबस का मीनिंग क्या होता है, ऑल थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑल थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। जैसे कि अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। और इनवर्स रिलेशनशिप कब होगा, तब अपन क्या होंगे, डिमांड को प्रभावित करने वाले और जो फैक्टर है वो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट मीन्स कि जैसे इनकम है अपनी या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तभी वो क्या होगा, लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है ना, आगे समझ में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी अदर फैक्टर है वो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सेटेरस पेरिबस। क्या बोलते हैं, सेटेरस पेरिबस, ठीक है। अब देखो गुड्स, आपको डेफिनेशन आ सकती है, कोई भी डेफिनेशन दे दे कि इसका किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो गुड्स क्या होती है, वस्तु, एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स। आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स रेफर्स टू, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स क्या होती है, एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स, की कुछ भी जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ति करता हो, ठीक है ना। लेजेज फेयर क्या होता है, उस पर क्या है, कोई भी इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, फ्री इकोनॉमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेजेज फ्री, हाँ लेजेज फायर इकोनॉमी, ठीक है। यूटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा, और कहीं से, चाहे यूटिलिटी की टाइप से मिले या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मिले, दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ से आज के एग्जाम में मिले। तो यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है कि कोई भी वस्तु की वो शक्ति, ठीक है ना, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करती है। अब हर वस्तु में वो तो एक सेम शक्ति तो नहीं होती कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करे, ठीक है ना, तो वो अलग अलग होती है, वस्तु से वस्तु क्या करती है, वो वेरी करती है, ठीक है ना। तो यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स। अगर अपन को प्यास नहीं लगी हुई है तो अपने जल की यूटिलिटी क्या होगी, अपने लिए क्या होगी, बहुत ही कम होगी। उपयोगिता क्या होगी, बहुत ही कम होगी। अगर सेम चीज़ अपन को क्या है कि प्यास लगी है, तब वही पानी अपने लिए कितना उपयोगी है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या आ गई, वो शक्ति आ गई अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स, आपको डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। अब बात आती है सर्विस की, गुड्स और सर्विस। जब भी अपन कभी मार्केट पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो दो टर्म अपन क्या कहते हैं, साथ में काम में लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो गुड्स तो क्या होती है, एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि कुछ भी हो सकता है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता हो, ठीक है ना। और सर्विस क्या होती है, इसेंशियली इंटेंजिबल एनी एक्ट एंड परफॉर्मेंस, कुछ भी एक्ट और परफॉर्मेंस जो क्या, एक पार्टी, वन पार्टी ऑफर टू अदर पार्टी। जैसे मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मेरी सर्विस क्या कर रहा हूँ, कोई एक्ट या परफॉर्म कर रहा हूँ और आपके लिए क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो क्या होगी सर्विस, ये क्या होती है, इनटेंजिबल, कि सर्विस को कभी आप टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जबकि गुड्स क्या होती है, टेंजिबल होती है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है अपना गुड्स का क्लासिफिकेशन, दो तीन प्रकार से, ठीक है ना, गुड्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, कि इन्वायरमेंट में या
इकोनॉमी में अपनी सप्लाई कितनी है, ठीक है ना। तो उसमें पहली गुड्स आती है अपनी इकोनॉमिक गुड्स। कौन सी आती है इकोनॉमिक गुड्स? एक होती है फ्री गुड्स। तो इकोनॉमिक गुड्स कौन सी होती है? वह वस्तुएं जिनके बदले अपन को क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है ना। वह वस्तुएं जिनके बदले अपन को क्या, कुछ न कुछ पे करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है ना। जो अपन खरीद के लाते हैं बाजार से, ठीक है ना, उसके पे प्राइस होती है कुछ न कुछ, ठीक है ना। तो वो कौन सी होती है, इकोनॉमिक गुड्स। और फ्री गुड्स क्या होती है? ये वस्तुएं क्या होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। क्या होती है? गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान की दी हुई होती है। जैसे एयर हो गया, ठीक है ना, वाटर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, फ्री गुड्स होती है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ भी है कि जब ये फ्री वस्तुओं स्कैर्सिटी कंडीशन में हो या दुर्लभता या कमी हो, तो ये क्या हो सकती है, इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैसे तो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन जैसे भी कमी आई COVID-19 के टाइम में, तो उनके भी ऑक्सीजन के सिलेंडर के कितने कितने रुपये महंगे हो गए। पानी, जल, ठीक है ना, वो क्या है, अगर अपन कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो वो क्या, 20 रुपये की बोतल, 30 रुपये की बोतल, वो क्या, वहाँ वहाँ क्या हो गई, वो इकोनॉमिक गुड्स हो गई। क्यों? वहाँ कमी है, वहाँ वो उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक गुड्स कौन सी होती है, जिनके बदले अपन कुछ न कुछ पे करते हैं। और फ्री गुड्स कौन सी होती है, ये होती है गॉड गिफ्टेड होती है, उनके बदले अपन कुछ पे नहीं करते, सिर्फ उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इनको क्या करते हैं अपन, एक्सचेंज भी करना पड़ता है और यूज भी करते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज मतलब कि वो अपन वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले कुछ न कुछ पे करते हैं, ठीक है ना। तो और पे करते हैं तो किस लिए पे करते हैं, अपने यूज करने के लिए पे करते हैं। लेकिन फ्री गुड्स होते हैं उनको ओनली फॉर अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो भगवान के द्वारा अपन को दी हुई होती है। अब देखो तो इकोनॉमिक गुड्स के क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और वैल्यू ऑफ यूज दोनों होती है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ यूज और वैल्यू ऑफ एक्सचेंज दोनों होते हैं। लेकिन फ्री गुड्स का क्या होता है, एक वैल्यू ऑफ यूज ही होता है, सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ यहाँ और समझने वाली, जो इकोनॉमिक गुड्स होगी उनकी डिमांड और सप्लाई, और इकोनॉमिक फ्री गुड्स की डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना। तो फ्री गुड्स की क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, डिमांड के कंपेयर में, क्या होगी, तभी तो फ्री है, ठीक है ना। अगर जहाँ क्या हो गई, इसकी डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी, तो ये क्या बन जाएगी, इकोनॉमिक्स गुड्स बन जाएगी, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन के सिलेंडर के केस में, ठीक है ना। और इकोनॉमिक गुड्स में क्या होता है कि डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और सप्लाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। डिमांड तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सप्लाई क्या होगी, कम होगी, तभी तो उनकी क्या होगी, कुछ न कुछ पेएबल या मॉनेटरी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये होती है अपने इकोनॉमिक और फ्री गुड्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन। तो कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती है जिनको अपन फाइनल कंज्यूम कर लेते हैं, फाइनल कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद वो कोई काम की नहीं रहती, ठीक है ना। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको अपन काम में लेते हैं और अधिक वस्तुएं उत्पादन करने के, ठीक है ना, और अधिक वस्तुएं उत्पादन करने के लिए जो काम में लेते हैं वो वस्तु कहलाती है प्रोड्यूसर गुड्स। और जो फाइनल कंजप्शन अपन कर लेते हैं वो क्या कहलाती है, कंज्यूमर गुड्स। जैसे अपना खाना है, खाना खाने के बाद कोई काम का है किसी के, ठीक है, वो फाइनल कंज्यूम हो गया, इसका फाइनल डिस्पोज हो गया, ठीक है ना। कोई कैपिटल है, जैसे अपने मशीनरी है, मशीनरी को किस काम में लेते हैं, और अधिक धन उत्पादन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कौन सी होती है, प्रोड्यूसर गुड्स, जिनको और अधिक वस्तुएं उत्पादन करने के लिए और अधिक उत्पादन करने के लिए काम में लेता है, और जिसका अपन फाइनल डिस्पोज कर लेते हैं वो क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। अब अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि या तो अपन क्या करते हैं, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनको अपन एक बार ही काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, कितने बार, एक बार ही काम में ले सकते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको अपन बार बार काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, बार बार काम में ले सकते हैं। तो जब अपन वस्तुओं को एक बार ही काम में लेते हैं, उसके बाद उसको क्या, फाइनल डिस्पोज हो जाती है, वो क्या कहते हैं, मोनो पीरियड, ठीक है ना। और जिनको अपन एक से अधिक बार काम में ले सकते हैं वो क्या होगी, अपनी पॉली पीरियड गुड्स। यह मैंने पहले ही बता दिया कि क्या होती है इकोनॉमिक गुड्स की, क्या होती है सप्लाई, क्या होती है लेस देन डिमांड, ठीक है ना। और फ्री गुड्स की क्या होती है, सप्लाई मोर देन डिमांड, क्यों, ठीक है ना। अगर ये क्या हो जाती,
फ्री गुड्स में भी क्या हो जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो ये भी क्या बन जाती है, इकोनॉमिक गुड्स बन जाती है। ठीक है, आई समझ में? उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया क्वेश्चन आल, तो यहाँ से बस ये ध्यान से देखो, ठीक है ना। आप जब कोई 10 एग्जाम देने गए हो, कोई भी 10 बार एग्जाम देने गए हो, इसमें 8 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यूटिलिटी क्या थी, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है ना, कोई भी वस्तु की वह शक्ति जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ति कर रही हो, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, पहली है फॉर्म यूटिलिटी, क्या है फॉर्म यूटिलिटी। कई कई बार क्या होता है कि अपन कोई भी वस्तु है उसके रूप रंग साइज में चेंज करने के बाद उसकी उपयोगिता क्या होती है, और बढ़ जाती है कि नहीं। जैसे अपन क्या है कि एक आलू बड़ा है, कोई काम का नहीं है, अगर उसकी चिप्स बना ली तो उसी आलू की 20 रुपए की चिप्स बन जाएगी, लोग 20 रुपए में खरीद लेंगे उस चिप्स को, तो क्या होगी, अब उसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो जब भी अपन क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के द्वारा, किसके द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा कोई भी वस्तु की यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी, क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दूसरी कौन सी है, पैलेस यूटिलिटी, क्या है, पैलेस यूटिलिटी। पैलेस यूटिलिटी मीन्स जहाँ कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है वहाँ के लोगों के लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम होती है, क्या होती है, कम होती है, लेकिन जहाँ उसकी स्कैर्सिटी होती है या उत्पादन नहीं होता है वहाँ क्या रहता है, उस वस्तु की उपयोगिता अधिक रहती है। तो अपन क्या करते हैं, कई बार जहाँ से प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ से वस्तु को ट्रांसपोर्ट करके जहाँ स्कैर्सिटी है वहाँ लेके चले जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ उस वस्तु के 10 रुपये मिल रहे थे तो वहाँ अपन को कितने रुपये मिलेंगे, उस वस्तु के 30 या 40 रुपये मिलेंगे। क्या हुआ कि अपन ने ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो गई, अपनी जो सेम वस्तु थी, ठीक है ना, उसकी क्या हो गई, यूटिलिटी अब बढ़ गई, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो यूटिलिटी क्रिएट होती है वो क्या कहलाती है, पैलेस यूटिलिटी। तीसरी टाइम यूटिलिटी, ठीक है ना। अब एक चीज होता है, जब भी अपन क्या है, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी का ये एक करेक्टर रहता है कि वो सीजनली प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, कि सीजन में एक बार भी उसका उत्पादन होता है, ठीक है ना। लेकिन जब उत्पादन होता है तो बफर प्रोडक्शन होता है, तो अगर वहाँ उस टाइम सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस उस वस्तु की क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस उस वस्तु की कम होगी, अगर कम प्राइस होगी तो उसकी यूटिलिटी भी उस टाइम क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि नॉन हार्वेस्टिंग सीजन आया, कि अपन ने उसको आज हार्वेस्टिंग किया, उस टाइम अपन ने क्या कर लिया, उसको स्टोरेज कर लिया, और जब नॉन हार्वेस्टिंग का टाइम आया या जब उसकी बुआई का टाइम आया, उस टाइम क्या है, सप्लाई कम हो गई, लोगों ने कंज्यूम कर ली, कुछ ने स्टोरेज कर रखी थी, तब उस टाइम उसके प्राइस अधिक हो जाएंगे। जैसे प्याज के केस में होता है, आज अब प्याज लेने जा रहे हैं तो 8-10 रुपये किलो प्याज है, लेकिन जब क्या होगा, तो बुआई का टाइम आएगा या कुछ 6-7 महीने बाद का टाइम होगा, उस टाइम क्या होगा, प्याज के रेट क्या होंगे, 3 गुने 4 गुने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि लोगों ने स्टोरेज कर लिए थे, और स्टोरेज के कारण अब उसकी क्या हुई, यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। जब भी कोई वस्तु की स्टोरेज के कारण यूटिलिटी बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, टाइम यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है ना, एक चीज। और फाइनल जो अपनी यूटिलिटी है, पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है ना, पोजीशन यूटिलिटी। उसका मतलब ये है कि जब भी अपने पास कोई वस्तु होती है तो अपने लिए उसकी यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है, और किसी के पास वस्तु नहीं होती वो, उसके लिए उसकी क्या यूटिलिटी, अधिक होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं अपने, ट्रांजेक्शन या बाइंग और सेलिंग, क्या करते हैं, खरीद के या बेच के जो यूटिलिटी क्रिएट की जाती है वो क्या कहलाती है, पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है ना, क्या कहलाती है, पोजीशन यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों यूटिलिटी। अब आता है वैल्यू, कोई चीज़ की वैल्यू क्या होती है, कोई चीज़ की वैल्यू क्या होती है। जब अपन कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, तो जिस वस्तु की वैल्यू जितनी भी ज़्यादा होगी तो, ठीक है ना, उसके सॉरी जिसको अपन क्या है, ज़्यादा पैसे देंगे कुछ वस्तु के, कुछ वस्तु के कम पैसे देते हैं, उसका मतलब क्या है कि ज़्यादा पैसे देते हैं उसका मतलब उसकी वैल्यू अपने लिए क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, उस वस्तु की एक्सचेंजेबिलिटी है। तो वैल्यू क्या होती है, कोई भी वस्तु की एक्सचेंजेबिलिटी, ठीक है ना, कोई भी वस्तु की एक्सचेंजेबिलिटी, उसकी एक्सचेंज करने की कैपेसिटी, ठीक है ना, क्या होती है, एक्सचेंजेबिलिटी। ठीक है, कोई भी वस्तु की एक्सचेंजेबिलिटी। अब प्राइस क्या होती है, प्राइस
जब कोई भी वस्तु की एक्सचेंजेबिलिटी है उसको अपन क्या कर लेते हैं, मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, मनी में। कुछ वस्तु, कोई भी वस्तु है उसकी कुछ भी वैल्यू होगी, जब उस वैल्यू को अपन ने नाप लिया कि ये 5 के बराबर है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गई, जब इस वैल्यू को अपन ने मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लिया तो वो क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्राइस क्या होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स इन मनी टर्म। जब भी कोई वस्तु की वैल्यू को अपन मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लेते हैं तो वो उसकी क्या हो जाती है, प्राइस हो जाती है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आ सकती है, छोटी छोटी डेफिनेशन आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब आती है डिमांड। डिमांड क्या होती है, ठीक है ना, तो डिमांड क्या होती है, कोई भी कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी, कोई भी कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी, ठीक है ना, कोई भी डिजायर और एबिलिटी, कोई भी कंज्यूमर की जो एक प्राइस पर क्या है मार्केट में एक टाइम पर खरीदने को तैयार रहता है, ठीक है ना, वो क्या होगी, उसकी डिमांड होगी। जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है ना, अब मेरा मन किया, मेरी इच्छा हुई कि कोई चीज़ मेरे को खानी है, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, तो मैं डिमांड कर लूँगा कि मार्केट में जाके, तो नहीं होगी। तो उसके लिए क्या है, मेरे को एबिलिटी भी चाहिए। तो कोई भी कंज्यूमर की डिजायर और एबिलिटी टू परचेज गुड एट ए गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस एट ए मार्केट, क्या है कि उस वस्तु की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस भी कोई भी बाजार में होगी, तो वो क्या होगी, अपनी डिमांड होगी, ठीक है ना। ड्राइवर डिमांड क्या होगी कि ये जुड़ी होगी, डिमांड राइज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कुछ अदर गुड्स प्रोडक्शन करेंगे उससे क्या होगी, ये ड्राइव होगी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ डिमांड। क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है ना, क्या आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी, क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, कॉन्स्टेंट रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो वो, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि इंडिकेशन देता है किस किस के बीच में, या रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, ठीक है ना। तो वो कैसा रिलेशन होता है, तो डिमांड इज ए इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ ए गुड्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आज अपन कोई वस्तु खरीदने गए, ठीक है ना, तो उस वस्तु के प्राइस थे 5 रुपये, ठीक है ना, तो अपन क्या करके उसको 1 किलो खरीद के ले आए, ठीक है ना, या 10 यूनिट खरीद के ले आए। जैसे भी अपन कल जो मार्केट में जाएंगे तो उसकी अगर प्राइस 10 रुपये होगी तो अपन क्या वो 10 यूनिट खरीद के ले आएंगे, नहीं लेके आएंगे, ठीक है ना, तो उसकी क्या कर देंगे, अपन डिमांड कम कर देंगे, ठीक है ना, तो आगे समझ में। तो कैसा रिलेशन होता है, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेटेड होती है दोनों एक दूसरे से, तो यही क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। और आगे का क्या होता है, इसमें अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, तभी क्या होगा, ये लॉ अप्लाई होगा। अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स इसको प्रभावित करने वाले कारक, ऐसा हो कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 5 रुपये की थी, अपन 10 यूनिट खरीद रहे थे, अगर वो 15 रुपये की होगी तो अपने डिमांड कम कर दी 5 रुपये, ठीक है ना। कब, इस केस में कि अपने जो भी अदर फैक्टर थे वो क्या थे, यहाँ कॉन्स्टेंट थे, क्या थे, कॉन्स्टेंट थे। अगर प्राइस चेंज होने से, अगर साथ में क्या, कंज्यूमर की यहाँ क्या थी, इनकम 10 रुपये थी और इनकम हो गई 20 रुपये, साथ में चेंज हो गई, तो क्या अपन डिमांड कम करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना, डिमांड कम नहीं करेंगे, क्योंकि अपन एबिलिटी बढ़ गई, तो एबिलिटी बढ़ गई तो अपन क्या है, परचेजिंग पावर बढ़ गया, तो परचेजिंग पावर बढ़ गया, चाहे महंगी हो तो वो अपन क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लॉ कब अप्लाई होगा, जब क्या होंगे, डिमांड को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स भी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। अब आती है गिफ्ट गुड्स, ठीक है ना। गिफ्ट गुड्स और क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन होता है गिफ्ट गुड्स में, ये होता है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जब अपने क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी इन केस ऑफ गिफ्ट गुड्स, ठीक है ना, तो अपनी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या है, एक लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद है, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद है। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, क्या, प्राइस डिमांड करो। अब इसको करो से समझते हैं, देखो तो ये क्या होगा, डिमांड कर होगा, ये किसका स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है ना, कैसा स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। इसका मतलब जैसे प्राइस यहाँ थी कोई वस्तु की, तो कोई भी कंज्यूमर इतने डिमांड कर रहा था, जैसे भी क्या हुआ, प्राइस कम हुई
इस पॉइंट पे हुई तो वो क्या होगी, अपनी डिमांड बढ़ा दिया। इसका मतलब है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने से कोई भी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस घटने से उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। प्राइस एक एक कंज्यूमर की तरह सोचो आप, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु की प्राइस बढ़ गई तो बढ़ने से क्या होगा, अपने पे पॉकेट से क्या है, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। और कोई भी कंज्यूमर अपने पॉकेट से पैसे ज़्यादा खर्च करना चाहेगा, नहीं चाहेगा, ठीक है ना। अगर पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। MPP सब बताऊंगा मैं, क्योंकि इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा मैटर है, पूरा इकोनॉमिक्स का आपने BSc में 4 साल पढ़ा, वो पूरा मैटर है, प्लस स्टेटिस्टिक्स भी है, एक्सटेंशन भी है, और टाइम कम है आपके एग्जाम का, अभी कुछ देर बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना लॉ ऑफ डिमांड है। अब लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता है, इसके अगर कोई ओपोजिट बोलेगा तो वो क्या होगा, इसका अपवाद होगा, ठीक है ना। और गिफन वुड्स क्या होती है, इसके ओपोजिट होती है। गिफन वुड्स क्या बोल रही है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका क्वांटिटी डिमांड भी उस वस्तु की बढ़ेगी, ठीक है ना। तो गिफ्ट गुड्स के केस में जो डिमांड करो बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोप बनेगा। और लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स के केस में जो करो बनेगा वो क्या बनेगा, अपना डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे प्राइस यहाँ है तो डिमांड इतनी कर रहा है, अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या कर दी उसने, बढ़ा दी, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, गिफन गुड्स होती है। तो आपको पूछ लिया जाए कि लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद कौन है, तो गिफन गुड्स भी क्या है, इसका अपवाद है। या एक दूसरा अपवाद हो सकता है हैबिट, कोई भी कंज्यूमर की हैबिट। हैबिट कैसे होगी कि जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ जाए तो अपन डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन एक आप जैसे शाम के टाइम में, ठीक है ना, 8 बजने के बाद क्या होता है, कोई भी वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप डिमांड करते हो बाजार में, करते हो कि नहीं करते, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक अपनी हैबिट है। तो हैबिट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद है। दूसरी चीज, एक अपवाद क्या है, प्रिफ्रेंस, अपनी प्रिफरेंस। अगर अपन कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसकी प्राइस बढ़ जाए तो भी अपन क्या करेंगे, उसको खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 3-4 है जो क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और गिफ्ट गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। उसके बाद ये 3-4 बुकें हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आती रहती है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776 में, ठीक है ना। इसने क्या, इसमें क्या किया था, इसने इकोनॉमिक्स को डिफाइंड किया था एज ए रिलेटेड ऑफ वेल्थ, ठीक है। दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है ना, ये किसने लिखी थी, J.M. कीन्स, किसने लिखी थी, J.M. कीन्स। इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो तीसरी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने लिखी थी, अल्फर्ड मार्शल ने लिखी थी, किसने लिखी थी, अल्फर्ड मार्शल ने। और चौथी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये किसने लिखी थी, मालथस ने, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी आ जाए तो वो किसने दी थी, मालथस ने भी दी, ठीक है ना। तो ये मालथस ने पॉपुलेशन पे बहुत काम किया था। अब आपके एक क्वेश्चन और आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, या विच ऑफ द फॉलोइंग ए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, कुछ भी आ जाए उल्टा सीधा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट है, ये आ जाए। देखो पहली आती है कि फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग में प्राइस, तो आप सबको पता है कि प्राइस क्या करती है, अपनी डिमांड को प्रभावित करती है, ठीक है ना। जैसे कैसे करती है, अगर नॉर्मल गुड्स के माने हैं तो प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा क्या, प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेंगे, अपन ज़्यादा करेंगे बाजार में, ठीक है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो प्रकार की हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट और गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वह वस्तु होती है जिसको अपन एक दूसरे के स्थान पर काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में ले सकते हैं, तो वो क्या होगी, अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी। जैसे आप कभी मैच देखते होंगे तो एक प्लेयर के स्थान पर दूसरा प्लेयर ग्राउंड में आता है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसकी जगह काम करेगा, ठीक है ना, वो गेम ही खेलेगा जो सेम गेम है वो। ऐसा तो नहीं कि कबड्डी में कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो कबड्डी का प्लेयर बाहर से आया, एक बाहर से अंदर गया, तो बाहर से क्या अंदर आया और एक अंदर से बाहर गया, ठीक है ना। तो वो बाहर वाला जो अंदर आने वाला है वो तो कबड्डी खेलेगा या क्रिकेट खेलेगा,
कबड्डी खेलेगा, तो मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कि दो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में लेते हैं, और दोनों वस्तुएं क्या करेगी, जो स्थान पर काम में लेंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है ना। वो वस्तुएं क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहलाती है, कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ में काम में लेते हैं। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ में काम में लेते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का अपन एक एग्जांपल ले तो टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कैसे, अगर चाय ना हो तो कॉफी से काम चल जाता है कि नहीं चल जाता, ठीक है ना। दोनों क्या करती है, अपन को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। अपवाद स्वरूप कोई ज़्यादा ही चाय का शौकीन हो तो बात अलग है, ठीक है ना। अब ये किस तरह से प्रभावित करती है वो देखो। मान लीजिए कि एक टाइम में चाय का प्राइस था ये क्वांटिटी डिमांड थी, ये कॉफी का प्राइस था ये कॉफी की क्वांटिटी डिमांड थी, ठीक है ना। प्राइस उस टाइम थी कोई टाइम में 5 रुपये, तो उस टाइम अपन क्या है, चाय की 10 यूनिट क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल, ठीक है। और उस टाइम सेम टाइम में क्या था, कॉफी के रेट थे 10 रुपये, लेकिन लोग कितने डिमांड कर रहे थे, 5 यूनिट, ठीक है ना। क्योंकि जिसकी प्राइस अधिक होगी उसकी डिमांड तो क्या होगी, कम होगी होगी, ठीक है ना। उसके बाद अब अगर इसकी प्राइस बढ़ के कितनी होगी, 15 रुपये, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, और डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होती क्या होती है, प्राइस बढ़ा देता है। तो उसकी प्राइस 15 रुपये होगी, तो सिंपल सी बात है चाय की क्या होगी, डिमांड कम होगी या अधिक होगी, कम होगी। मान लीजिए कि इसकी होगी 5, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड लागू हो गया। अगर इसकी प्राइस अधिक होगी तो ये 5 लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसकी प्राइस कितनी है, 10 रुपये ही है, तो इसकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। इसकी डिमांड कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है ना। तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, 10 हो गई, क्योंकि ये लोग 5 लोग जो चाय वाले हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी की साइड शिफ्ट हो गए। हो सकता है ये 5 लोग हो जो चाय के शौकीन हो, यहीं पड़े हैं, चाहे कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो हुआ क्या यहाँ, ठीक है ना, जैसे डिमांड कैसे प्रभावित हुई है, मेन चीज़ अपनी कहा क्या है कि डिमांड किस तरह से प्रभावित हुई है सब्स्टिट्यूट गुड्स से। अब इसमें क्या है, प्राइस बढ़ रहा है एक वस्तु का, ठीक है ना, और एक वस्तु के प्राइस बढ़ने के कारण क्या, और इसकी वस्तु इसकी प्राइस तो सेम है, ठीक है ना। तो एक वस्तु की प्राइस बढ़ने के कारण उस डिमांड क्या हो रही है, दूसरी वस्तु की बढ़ रही है, ठीक है ना। आगे समझ में, कि एक वस्तु की प्राइस बढ़ने के कारण दूसरे वस्तु की क्या हो रही है, डिमांड बढ़ती है, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं अपने, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है ना। तो इसमें प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। पॉजिटिव कैसे है, कि एक वस्तु की प्राइस बढ़ने से दूसरे वस्तु की क्या होती है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये क्वेश्चन पीजी में आया हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में कभी भी आओ, लेकिन ये क्वेश्चन अपना पीजी में आया हुआ है। अब दूसरे बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वह वस्तु जो एक दूसरे के साथ में काम में आती है, वही वस्तुएं जो एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु भी काम में लेते हैं, एक के बिना दूसरी का काम नहीं चलेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट में क्या कर रहे थे अपन, एक वस्तु को क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे, उसकी जगह दूसरी वस्तु को क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि दो वस्तु एक दूसरे के स्थान पर, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ट्रैक्टर और ड्राइवर है, ठीक है ना, ट्रैक्टर और ड्राइवर है, ये ट्रैक्टर है ये ड्राइवर है। अब ट्रैक्टर की प्राइस क्वांटिटी डिमांड, इसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। मान लीजिए कोई ट्रैक्टर की प्राइस थी 5 लाख, उस टाइम किसान या कोई भी उसकी डिमांड कर रहे थे 15 यूनिट, ठीक है ना। तो 15 ट्रैक्टर होंगे तो ड्राइवर कितने आवश्यकता होगी, कितने ड्राइवरों की आवश्यकता होगी, 15 नॉर्मली, इसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। 15 ट्रैक्टर हो गए तो 15 ड्राइवर की आवश्यकता होगी। तो उसमें क्या किया कि प्राइस बढ़ा दी, अब ट्रैक्टर की 8 लाख कर दी कंपनी ने, ठीक है ना। तो अगर प्राइस बढ़ी है तो ट्रैक्टर की डिमांड क्या होगी, नॉर्मल सी बात है, कम होगी, मान लीजिए कि 6 होगी, ठीक है ना। अगर 6 ट्रैक्टर है तो ड्राइवरों की कितनी आवश्यकता होगी, कितने ड्राइवरों की आवश्यकता होगी, 6, ठीक है ना। आगे समझ में, कितने ड्राइवर की आवश्यकता होगी,
अच्छा है क्योंकि एक दूसरे के साथ में काम है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ब्रेड और बटर, पेन और इंक, ठीक है ना, कि दोनों को एक साथ में काम में आते हैं। अब देखो हुआ क्या आया, अगर प्राइस बढ़ी है एक वस्तु की तो दूसरे वस्तु की डिमांड क्या हुई है, क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है ना। दूसरे वस्तु की डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। तो ये किस केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। और इनका रिलेशन कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का मतलब अगर अपन क्या करते हैं, कोई भी एक वस्तु की प्राइस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो दूसरे वस्तु की डिमांड उस प्राइस के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। वो उस वस्तु के प्राइस के कारण उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो गई। तो ये क्या, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। तीसरी है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है ना। कोई भी अगर आपने मानो कि आपकी इनकम बढ़ गई, एक टाइम जैसे आप रूम लेके रहते हो, घर से एक दो तीन चार तारीख को पैसे आते हैं, ठीक है ना। उस टाइम बाजार में जाते हो तो वस्तु अगर थोड़ी बहुत महंगी है तो आप ज़्यादा खरीद के ले आते हो, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपको 25 तारीख के बाद महीने की आपके पास क्या है, इनकम कम हो गई, तो इनकम कम हुई उस टाइम आप क्या देखते हो कि सबसे सस्ती सब्जी या कौन सी है, ठीक है ना, सबसे कम प्राइस कौन सी वेजिटेबल के, तो वो खरीद के लाते हो, ठीक है ना। आगे समझ में, ठीक है। तो वो इनकम किस तरह से प्रभावित करता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। क्या होती है, उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है। तो अब देखो इनकम किस तरह से प्रभावित करती है कोई भी कंज्यूमर को। अगर अपनी इनकम बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ की डिमांड बाज़ार से ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो अपन क्या, क्वांटिटी डिमांड क्या करेंगे, कोई भी कंज्यूमर की बढ़ जाएगी। तो इनकम और कंज्यूमर डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और दूसरी है हैबिट, मैंने बताया ना आपकी आदत किस तरह से प्रभावित करती है डिमांड को, ठीक है ना। जैसे आपकी कोई चीज़ की आदत है, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो भी क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तीसरी चीज़ रहती है टेस्ट और प्रेफरेंस। अगर अपन को कोई चीज़ का टेस्ट सबसे अच्छा लगता है या कोई चीज़ अपन सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, अपन उस चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो भी अपन क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, ठीक है ना। लास्ट है सेशन, ठीक है ना, या सीजन। और सीजन किस तरह से प्रभावित करता है, जैसे अब मान लीजिए कि विंटर का सीजन है या सर्दियों का मौसम है, ठीक है ना। अगर सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ऊनी वस्त्रों की क्या है, प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, आई समझ में। फिर भी अपन क्या करते हैं, उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो वो क्या करती है, बस सीजन सेशन भी क्या करता है, या सीजन भी क्या करता है, अपनी डिमांड को प्रभावित करता है। ये है जो डिमांड को प्रभावित करने वाले अपने कारक है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि गिफ्ट गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस और डिमांड दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन होता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप होता है, क्योंकि जब अपने क्या है, एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने बताया कि नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि अगर एक वस्तु की अगर प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे वस्तु की क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव स्लोप ऑफ इनकम डिमांड करो, इस ये कैसे हुआ, इनकम डिमांड करो क्या पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि जैसे भी कोई कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो करो भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। गिफ्ट गुड्स के केस में क्या होगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ इनकम डिमांड करो, क्योंकि मैंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है, ये अपवाद होता है, इसलिए क्या, अगर इनकम स्लोप, इनकम करो, इनकम डिमांड करो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में, तो गिफ्ट गुड्स क्या होगा, इसका अपवाद होगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब देखो अपनी डिमांड करो होगा वो चेंज होगा, वो किस किस वजह से हो सकता है, अपनी जो डिमांड है वो चेंज होगी वो किस किस की वजह से हो सकती है। एक तो हो सकती है प्राइस की वजह से,
ठीक है ना, किसकी वजह से हो सकती है, प्राइस की वजह से हो सकती है, और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर के कारण भी क्या होती है, अपनी डिमांड चेंज होती है। अगर अपनी डिमांड चेंज हुई किसके कारण, प्राइस के कारण, किसके कारण, प्राइस के कारण, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जो मैंने ऊपर बताया आपको, इनकम हो गई, प्रेफरेंस हो गई, टेस्ट हो गया, हैबिट हो गई, सीजन हो गया, उनके कारण अगर अपनी डिमांड प्रभावित होती है या डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपने, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आई है, ठीक है ना। अगर प्राइस के कारण अगर अपना क्या होगा, डिमांड चेंज होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। एक्सटेंशन कब बोलेंगे, जब अपने प्राइस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, अपना डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे प्राइस ये डिमांड, अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है ना। तो अब अपने डिमांड में क्या हो गया, फैलाव आ गया या एक्सटेंशन हो गया, तो क्या होगी, प्राइस कम होने की वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपने, एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है ना। और ध्यान रखने की बात यह है कि ये क्या होगी, सेम स्लोप पर एक ही डिमांड करो उपयोगी, इसके लिए डिमांड करो, दूसरा नहीं होगा। अगर प्राइस के कारण जब अपनी डिमांड चेंज होते हैं तो वो क्या होगा, सेम डिमांड करो पर होगा। दूसरी चीज़ आती है अपनी, शिफ्ट इन डिमांड करो, क्या आती है, इसको बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड करो, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड करो। मूवमेंट इन डिमांड करो क्या है, एक सेम ही डिमांड करो पर क्या होगा, मूव करेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड करो में क्या होगा, अपना डिमांड करो क्या होगा, शिफ्ट होगा, और ये किसकी वजह से होता है, नॉन प्राइसिंग, नॉन प्राइसिंग मीन जो अदर फैक्टर है उनकी वजह से होगा, ठीक है ना। और अदर फैक्टर उनकी वजह से होगा तो प्राइस यहाँ क्या क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है ना। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। तो ये अपना क्या था, डिमांड करो था, और इस डिमांड करो अपन इस प्राइस पर क्या कर रहे थे, ये क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है कि प्राइस तो सेम है यहाँ, लेकिन अब क्या हो गया, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, क्या हो गया, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, उस वजह से क्या हो गया, इसकी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ से क्या हो गई, उसकी डिमांड यहाँ हो गई, और प्राइस क्या है इसका, सेम है, ठीक है ना। तो अब डिमांड करो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। तो अब क्या हो गया, डिमांड करो शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो डिमांड करो कहाँ शिफ्ट हो गया, अपवर्ड साइड या बाहर की साइड शिफ्ट हो गया, तो इस और प्राइस क्या है इसमें, सेम है, और किसकी वजह से हो गया, प्राइस की वजह से तो नहीं हुआ है, किसकी वजह से हुआ, जो अदर फैक्टर है उनकी वजह से, अदर फैक्टर है उनकी वजह से क्या हुआ, अपना डिमांड करो क्या हुआ, बाहर की साइड शिफ्ट हुआ या अपनी डिमांड बढ़ी है, और प्राइस क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट है। तो शिफ्ट एंड डिमांड करो कितने प्रकार का, इंक्रीजिंग और डिक्रीज। जब अपना क्या है, कोई भी अदर फैक्टर के कारण जब अपने प्राइस डिमांड बढ़ जाती है और अपना क्या है, डिमांड करो बाहर की साइड शिफ्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड करो। और जब इनकम कम हुई, मान लीजिए इनकम कम हो गई, तो अपन क्या डिमांड भी कम करेंगे, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। तो अब जो डिमांड करो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, डिमांड करो बनेगा जो किस साइड बनेगा, बैकवर्ड साइड, ठीक है ना, अंदर की साइड। अब क्या हुआ है कि प्राइस तो सेम है, लेकिन क्या हुआ, कोई भी कंज्यूमर की इनकम में कमी आने के कारण अपनी क्या हो गई, डिमांड कम हो गई, तो डिमांड करो कहाँ शिफ्ट हो गया, अंदर की साइड, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, डिक्रीजिंग इन डिमांड, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है, ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में, किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड किसकी वजह से होता है, नॉन प्राइसिंग फैक्टर, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि हैबिट हो गई, प्रेफरेंस हो गई, टेस्ट हो गया, ठीक है ना, उनकी वजह से। आई समझ में। अगला पॉइंट देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नाम तो सुना होगा आपने, होता क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपन को बताता है कि जैसे जैसे अपन कोई भी कॉमोडिटी का, या कोई भी कंज्यूमर कोई भी कॉमोडिटी का क्या करता है, ज़्यादा ज़्यादा यूज करता जाता है, तो उसकी क्या होगा, सेटिस्फेक्शन पावर क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे क्या होगा, अपन कोई भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे या
तो क्या होगा, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल उस कॉमोडिटी के प्रति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कोई भी चीज की क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक होता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब होता है कि जो भी अपन जितनी भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी कमोडिटी, उससे टोटल यूनिट से अपन को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, अपना टोटल यूटिलिटी। और जब अपन क्या है कि एक्स्ट्रा यूनिट जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे, तो जिससे जो एक्स्ट्रा यूनिट अपन कंज्यूम करेंगे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए कि अपन ने पहली यूनिट कंज्यूम की तो उससे अपन को 20 सेटिस्फेक्शन मिला, किसके बराबर, 20 के बराबर। इसको क्या है, अपन मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक सिंपली क्या है मॉनिटरी टर्म में उसे कोरिलेट कर लेते हैं कि अगर अब मेरे को पहली यूनिट है तो मैं उसके 20 रुपये किसी दुकानदार को या सेलर को दूंगा, तो इसका मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन 20 के बराबर है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जैसे भी अपन ने क्या पहली यूनिट कंज्यूम कर ली, अब दूसरी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो अपन पैसे दे देंगे क्या उसके बराबर, तो पहली, क्योंकि अपना क्या हुआ अब सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो गया पहले की तुलना में, तो अब उसके कितने बोलेंगे अपन, टोटल कितने रुपए देंगे, 32, ठीक है ना, कितने 32। तो अब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका कि आपने दूसरी यूनिट के कितने रुपए दिए हैं, 12, पहली यूनिट के कितने दिए थे 20 और दूसरी यूनिट के कितने दिए हैं 12, मतलब इस यूनिट से आपको कितने किसके बराबर सेटिस्फेक्शन मिला है, 12 के बराबर, ठीक है ना। तो ये क्या होती है 12 मार्जिनल यूटिलिटी की, जैसे जैसे अपन कोई भी यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट कोई भी कॉमोडिटी की कंज्यूम की है, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट के कारण जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला अपन, जैसे 12 मिला है दूसरी यूनिट के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और 32 क्या हो गई अपनी टोटल यूटिलिटी की, दो यूनिट कंज्यूम करके अपन को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, 32 के बराबर, तो ये क्या हो गया अपनी टोटल यूटिलिटी। तो ये जो है जो कर्व है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इसमें देखो क्या होता है कि अपना स्टार्टिंग में क्या देखो, ये बढ़ तो रही है, टोटल यूटिलिटी 20 से 32 हो गई, ठीक है ना। तो क्या होगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे अपन कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे तो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल उसके प्रति क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो एक टाइम आएगा कि अपना सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल भी अपन को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, पूरा सेटिस्फेक्शन होगा, उस टाइम क्या होगी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि जब क्या हो एमयू जीरो हो तब अपनी टीयू क्या होती है, मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जब अपना क्या हो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है। आप मिनिमम मत करके आ जाना, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं कि ऑप्शन में जीरो आया, मैक्सिमम आया, मिनिमम आया या कांस्टेंट आया, तो आप क्या करके आते हो, मिनिमम करके आते हो, मिनिमम नहीं होती। उसके बाद अपन कोई भी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, घटेगी, और मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये मिनिमम तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे जैसे अपन कोई भी कॉमोडिटी की यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो अपन टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, किस रेट से बढ़ेगी, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी अपनी, कम होगी। तो उसको क्या बोलेंगे अपने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। दूसरा, एम यू इज पॉजिटिव, टी यू ऑल्सो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। देखो इस पॉइंट से ऊपर ऊपर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ तो जीरो हो गई, यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव था। और इस टाइम क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की रेट क्या है, डिक्रीजिंग है, बढ़ने की रेट क्या है, डिक्रीजिंग है। बढ़ते हुए कहाँ पहुंच गई है, मैक्सिमम पहुंच गई, क्योंकि एम यू यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, उसके बाद ये क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया, टोटल यूटिलिटी अपनी क्या हो गई, घटना स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो, टी यू कैन नॉट बी नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और एम यू ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है अपनी, डिक्रीज करती है। और ये लॉ कब लागू होगा कि जैसे जैसे अपन क्या है कोई भी कॉमोडिटी का कंज्यूम करते जाएंगे तो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। इसके लिए दो अजम्पशंस है अपनी, ठीक है ना। पहली अजम्पशंस तो क्या है, जो अपन कॉमोडिटी यूज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि सेम
करेक्टर वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर अपन क्या कर रहे हैं, कोई स्वीट खा रहे हैं या स्वीट का यूज़ कर रहे हैं, तो स्वीट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट अपन ने क्या कर लिया, स्वीट का यूज़ कर लिया और दूसरा नमकीन का, ठीक है ना, तीसरा कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, तो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, कम नहीं होगा। आई समझ में? पहली एजम्पशन तो ये कि अपना प्रोडक्ट या कमोडिटी क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरी क्या होना चाहिए कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जब भी अपन कोई भी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सुबह अपने क्या स्वीट का एक पीस खाया और शाम को एक दूसरा पीस खाया, तो उसके बीच में टाइम गैप आ गया, तब अपना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना। आगे समझ में? तो ये दो अगर एजम्पशंस है अपने पास, तब ये क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, अप्लाई होगा। उसके बाद क्या, टोटल यूटिलिटी, द टोटल यूटिलिटी विच गोट आफ्टर यूजिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। जैसे मैंने बताया कि ये सारी यूनिट जब कंज्यूम करने के बाद जो अपन को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव बाय द कंज्यूमर आफ्टर कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी। जैसे एक से दो अपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, उससे कितना एक्स्ट्रा अपन को सेटिस्फेक्शन मिला, 12 के बराबर, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया अपना मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किसने दिया था, अच्छा अच्छा गोसेन ने दिया था। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, देखो यहाँ क्या, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट इन द स्टॉक ऑफ गुड्स कंजप्शन ऑफ इंक्रीज, ठीक है, और डिमांड करो क्या हो, डाउनवर्ड स्लोप होता है, वो किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से होता है। अब यूटिलिटी की दो अप्रोचेज हो रहे हैं, एक है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो कार्डिनल यूटिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ठीक है ना। और कार्डिनल यूटिलिटी में क्या बोलते हैं कि जो अपने यूटिलिटी है वो मेजर कर देंगे यूटिल्स में, ठीक है ना, किस में मेजर करेंगे, यूटिल्स में। अब एक चीज़ बताओ, आपको कोई वस्तु का कंजप्शन दे दे कि यह आप वस्तु को उपभोग करो या खाओ, उसके बाद आपको पूछ लिया जाए आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो आपके पास कोई यूनिट है क्या कि आप बता दोगे कि मेरे को इतना परसेंट मिला या इतना ये मिला, ठीक है ना, नहीं बता सकते। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ कि अपने पास कोई भी यूटिलिटी को मापने का मेजर नहीं है, ठीक है ना। तो और एक इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि अपने इसको किस में नाप सकते हैं, यूटिल में नाप सकते हैं, यूटिल में नाप सकते हैं। और दूसरा इसका जो अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था, एजवर्थ ने दिया था, किसने दिया था, एजवर्थ ने दिया था। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, इनडिफरेंस करो, ये इंपॉर्टेंट है, और इनडिफरेंस के करेक्टरिस्टिक आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनडिफरेंस क्या होता है कि जब भी अपन क्या है दो कॉमोडिटी का, पहले तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच होती है कि ये तो एक दो पाँच सात ऐसे सेटिस्फेक्शन अपन नहीं बता सकते, ठीक है ना, ये थोड़ी थ्योरेटिकल सी लगती है। लेकिन ऑर्डिनल में क्या है कि अपने पास दो कॉमोडिटी है, ठीक है ना, और दो कॉमोडिटी को अपन को प्रेफरेंस देनी है कि इस कॉमोडिटी से मुझे अधिक, इससे कम सेटिस्फेक्शन मिला, ये तो अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, उनकी रैंकिंग तो कर सकते हैं ना, जैसे एप्पल हो गया और आपके पास बनाना है, ठीक है ना, तो आप ये तो बता सकते हो ना कि मेरे को एप्पल से फर्स्ट पोजीशन पे एप्पल है, फर्स्ट ऑर्डर एप्पल का है कि उससे मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला कंपेयर टू सेकेंड के, ये तो बता सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते कितना, ठीक है ना, ठीक है, आई समझ में। तो ये क्या करता है, इनडिफरेंस करो क्या होता है कि दो कॉमोडिटी क्या है, कोई कंज्यूमर यूज करता है तो ऐसा कॉम्बिनेशन देखते हैं जहां क्या हो, दोनों कॉमोडिटी से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिले, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपने, इनडिफरेंस करो बोलते हैं। इनडिफरेंस करो लोकस द रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी सेम ऑन द इनडिफरेंस करो, कि मतलब दो भी कॉमोडिटी अपने पास, अपन को एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है, देखना है जिस पर क्या हो, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले दोनों कॉमोडिटी से, ठीक है ना। उसके बाद इनडिफरेंस करो के करेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, इनडिफरेंस करो हमेशा क्या होगा, कौन के होगा, ये मतलब मान लीजिए एप्पल है, ये क्या है, बनाना है, ठीक है ना, क्या होगा, कौन के होगा, और जितना ये इनडिफरेंस करो अधिक होगा, आगे हायर होगा उतना ही क्या होगा अपने को सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए कि पहले बनाना की 5 यूनिट और इसकी 1 यूनिट अपन को क्या कर रही थी, कुछ भी सेटिस्फेक्शन दे रही थी, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि अपना इनडिफरेंस करो यहाँ चला गया, तो इसमें क्या हो गया, अब बनाना की तो 5 है लेकिन एप्पल की कितनी हो गई, 3, तो यहाँ कितनी थी टोटल इस पॉइंट पे, 6 यूनिट, अब कितना हो गया, 8 यूनिट,
अब कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अपने 8 के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, इंडिफरेंस करो हायर लेवल पे होगा तो अपनों क्या होगा, सेटिस्फेक्शन भी उतना भी अधिक मिला। पहला तो इसका क्या ओरिजिन से ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। दूसरा कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तीसरा क्या, हायर इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। ये चार करेक्टरिस्टिक है, इनमें से आपको एक करेक्टरिस्टिक मिसिंग दे देगा और तीन आपको दे देगा, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इनडिफरेंस, करो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आती है बात प्राइस लाइन की, प्राइस लाइन क्या होती है, सो ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय, एक ऐसी लाइन शो क्या शो करती है कि एक ऐसी लाइन जो क्या करती, कंज्यूमर की इनकम को शो करती है कि इस पर क्या हो, कंज्यूमर को जो वस्तु है दो, जो अपने बात की थी ना कमोडिटी की, वो खरीद सके, ठीक है ना। अगर यहाँ खरीदेगा तो भी समझ लो सेटिस्फेक्शन, यहाँ यहाँ सब क्या होगी, इनकम क्या होगी, इक्वल होगी, चाहे कहीं भी खरीदो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि, इंपॉर्टेंट ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये होती है प्राइस लाइन, यह है इंडिफरेंस करो। जब क्या होगा, प्राइस लाइन इंडिफरेंस को टच करेगा वहां क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्राइस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, प्राइस रेशियो, प्राइस लाइन में क्या होता है, प्राइस रेशियो, प्राइस लाइन क्या होता है, प्राइस का रेशियो होता है, ये क्या होती है, एमआरएस, एमआरएस का मतलब होता है कि जब अपन क्या है कि एक कमोडिटी की कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो अपन को दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब प्राइस रेशियो और एम आर एस दोनों क्या हो, इक्वल होंगे, तब क्या होगा अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, जब क्या होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब प्राइस लाइन और इंडिफरेंस करो एक दूसरे को टच करेंगे प्लस, ठीक है ना, प्राइस रेशियो और एम आर एस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब बात आती है कि अपन ने लॉ ऑफ डिमांड था, ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया था कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज होगा, ठीक है ना, कितना चेंज होगा वो कौन बताएगा अपन को, कौन बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी, कौन बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि अगर कुछ परसेंटेज प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज होता है, वो क्या होती है अपनी प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है ना, क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। अब कुछ वस्तुएं आप देखते हो कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनके प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं होती। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि उनके प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वो प्राइस इलास्टिसिटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है जीरो से इनफिनाइट, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से इनफिनाइट तक होती है, और उसकी मिडिल वैल्यू क्या होती है, एक होती है, इसको क्या बोलते हैं अपने, यूनिट इलास्टिक। ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी 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 कभार क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से अपन को दे देते हैं। अगर जीरो रेंज है कोई भी प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जीरो है, उसका मतलब क्या है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करने के बावजूद क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, जीरो चेंज, ठीक है ना। तो उस टाइम अपनी क्या इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, जीरो। मतलब मान लीजिए कि प्राइस में क्या 100% चेंज हो गया, ठीक है ना, लेकिन डिमांड में कितना, 0% चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी अपनी, जीरो। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब जीरो इलास्टिसिटी होगी अपनी तो इसको क्या बोलेंगे अपन, परफेक्ट इलास्टिक, क्या बोलेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक, क्या बोलेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है ना। जब इलास्टिसिटी होगी एक और जीरो के बीच, ठीक है ना, क्या होगी, एक से तो ज़्यादा और जीरो से कम, वहाँ मतलब क्या है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करने पर क्या डिमांड में क्या होगा, बहुत ही कम चेंज होगा,
प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करने पर डिमांड में बहुत कम चेंज होगा, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव इन इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक। रिलेटिव इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करने पर भी डिमांड में बहुत ही कम चेंज होगा, या इसको बोल सकते हैं लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। इसका मतलब कि प्राइस में अगर अपन 10% चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज होगा, मोर लेस देन 10%, ठीक है ना। जैसे ये किस केस में होता है, जब कोई भी वस्तु हो वो क्या हो, नेसेसरी हो, एसेंशियल हो अपने लिए, तो उस केस में क्या होता है, अपना जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। जैसे मान लीजिए कि साल्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। साल्ट आज 20 रुपये या 25 रुपये का एक पैकिंग आता है, ठीक है, लेकिन कभी वो 2 रुपये का आता था, कभी वो 2 रुपये का था, ठीक है ना। आज कितने, 20 का है, लेकिन उस टाइम अब भी घर पे कितने, 1-2 यूनिट महीने के कंज्यूम हो रहे थे, आज भी कितने हो रहे हैं, 1 या 2 यूनिट। कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर भी क्या है, अपन उसकी डिमांड बहुत ही कम चेंज करेंगे। या एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने गेहूं के केस में, ठीक है ना। तो गेहूं क्या होता है, गेहूं में अगर कोई भी गेहूं की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, मान लीजिए कि आज 2000 रुपये है, अपन गेहूं की अगर 3500 रुपये प्राइस कर दें, ठीक है ना, और आज अपने घर पे डिमांड हो रही है 10 क्विंटल पर ईयर, तो अपन कितनी डिमांड कम कर देंगे, 9 क्विंटल कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी अपन डिमांड क्या है, प्राइस के कंपेयर में कम चेंज कर रहे हैं, तो वो सिटी क्या कहलाती है, रिलेटिव इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। तो आपको यहाँ समझने वाली ये बात है कि आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर वस्तुओं की या साल्ट की इलास्टिसिटी क्या होती है, तो आप क्या करोगे, लेस इलास्टिक या रिलेटिव इन इलास्टिक या लेस देन 1। या आपको सीधा डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कभी कभार कि जब रिलेटिव इन इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 से कम, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन अगर पीजी में आया हुआ है पहले, इलास्टिसिटी का 1 का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी जब 1 हो, इसको बोलते हैं अपने यूनिट इलास्टिक। इसका मतलब अगर 1% अपना क्या है, प्राइस में चेंज हुआ है, तो 1% ही क्या हुआ, अपनी डिमांड में चेंज हुआ है, दोनों में क्या है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, तब क्या बोलते हैं अपने, यूनिट इलास्टिक। 1 से ज़्यादा और इन्फिनाइट से कम, 1 से ज़्यादा और इन्फिनाइट से कम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस में अपन क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो डिमांड में अपने क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये केस किस केस में होता है, लग्जरी गुड्स के केस में होता है। आपने देखा होगा कोई लग्जरी गुड्स है अपने लिए आवश्यक नहीं है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अगर कोई दुकानदार या सेलर क्या थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो अपन खरीदना ही छोड़ देते हैं कि नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है अपने लिए, ठीक है ना। तो क्या हो गई कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, ठीक है ना। तो उस केस को क्या बोलते हैं, मोर इलास्टिक, क्या बोलते हैं, मोर इलास्टिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोर इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, तो क्या होता है, मोर देन 1, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव इलास्टिक का मान कितना होता है, 1 से ज़्यादा और अनंत से कम। आपको बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, यूनिट इलास्टिक का मान कितना होता है, या यूनिट इलास्टिसिटी का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 1। अब आता है अनंत, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब ये होता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पर डिमांड इतनी चेंज हो जाती है कि अपन को पता ही नहीं, ठीक है ना। आगे समझ में, तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं होता, न प्रैक्टिकली 0 होता, ये क्या है, एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। लेकिन लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक दोनों क्या है, अपने प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, इन केस ऑफ नेसेसरी एसेंशियल गुड्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, इन इलास्टिक या इसको बोल सकते हैं लेस इलास्टिक, ठीक है ना, और क्या बोल सकते हैं इसको, मोर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है ना, मोर देन 0 और लेस देन 1। आपको यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना दे के आपको राइस का पूछ ले, आपको वीट का पूछ ले, ठीक है ना, तो भी आप क्या करोगे, लेस देन 1 या इन इलास्टिक, ठीक है। दूसरा देखो, इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होती है, कि जब अपन क्या करेंगे, हाँ प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कितनी कम होगी। लेकिन इन केस ऑफ इनकम में क्या होता है, कि प्राइस कितनी बढ़ेगी तो अपन इनकम कितनी बढ़ेगी तो अपनी क्या होगी, डिमांड
कितनी बढ़ेगी, दोनों क्या पॉजिटिव रिलेशन है, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है नॉर्मल गुड्स के केस में, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ गिफ्ट गुड्स और डिमांड का, प्राइस का कैसा रिलेशन था, गिफ्ट गुड्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ गिफ्ट गुड्स का कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था, कैसा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या था, लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद था गिफ्ट गुड्स, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी इनकी, पॉजिटिव होगी। अब आती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि एक वस्तु की प्राइस में परसेंटेज चेंज होने के कारण दूसरे वस्तु की प्राइस डिमांड में परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये एक्स वस्तु है, ठीक है ना, उसके प्राइस में क्या हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो इसकी वजह से कोई वाई वस्तु है उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, वो क्या होती है अपनी क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और क्रॉस इलास्टिसिटी मैंने बताया कि दो रिलेटेड गुड्स थी ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना, तो वो होती है। अब देखो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इसलिए, ठीक है ना। सेम थिंग इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर ट्रैक्टर के प्राइस में वृद्धि हुई तो ड्राइवर की डिमांड में कमी होगी, क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर की डिमांड में कमी होगी और दोनों वस्तु क्या एक दूसरे के साथ काम में ली जाती है, ठीक है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दी थी, रॉबर्ट गिफन ने दी थी, ठीक है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी के बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, मार्केट को भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं, देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मौजूद रहते हैं बाजार में, प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी होती है कि अपन क्या, एक वस्तु की प्राइस में चेंज होने के कारण, परसेंटेज चेंज होने के कारण दूसरे वस्तु की डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है ना, दोनों की क्रॉस चेंज हो रहा है, जैसे एक की तो प्राइस चेंज हो रही है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, तो इसको क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया, या फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो गई, ठीक है ना, या परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गई, कुछ एजम्पशंस होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट होमोजीनियस हो गया कि सभी सेलर्स के पास क्या है, एक जैसा उत्पाद है, तो अगर किसी ने भी प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ा दी, मान लीजिए कि 10 एक बाजार है, इसमें 10 सेलर है, ठीक है ना, सबके पास क्या है, कमोडिटी सेम है, मान लीजिए कि शूज है या क्लॉथ है, सबके पास शूज है, ठीक है ना। तो अब ये मानो कि इस दुकानदार ने 1 रुपया अधिक प्राइस बढ़ा दी, ठीक है ना, 1 रुपया अधिक प्राइस कर दी, तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, इसकी 1 रुपया महंगी खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है इस बाजार में, तो वो क्या कर देगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि एक ही सेलर ने थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाने पे उसकी डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ जो बायर थे उनके पास क्या नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल थे, तो वो क्या हो गए, उस साइड शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने क्या प्राइस बढ़ाई, थोड़ी सी प्राइस बढ़ने से डिमांड किसकी बढ़ गई, जो अदर सेलर थे उनकी क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर इलास्टिक, क्या होगी, मोर इलास्टिक, क्यों, कि उसने 1 रुपया बढ़ाने से ही क्या हो गया, सारे कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो गए, कि थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाई तो प्राइस डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा उसकी कम हो गई, और दूसरे जो सेलर्स थे उनकी क्या डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, क्या होता है, मोर इलास्टिक, क्या होता है, मोर इलास्टिक। अगर सेम चीज़ देखें अपने मोनोपोली में, ठीक है ना, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि बाजार में केवल मात्र एक ही सेलर है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, बाजार में एक ही सेलर मौजूद है, बायर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक ही सेलर है तो इसके पास वस्तु खरीदने जा रहे हुए, अगर इसने एक, इसने तो 1 रुपये बढ़ाई थी, इसने मान लीजिए 10 रुपये बढ़ा दी, तो भी अपन अब क्या करेंगे, क्योंकि अपने पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, प्राइस इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी फिर भी डिमांड क्या हो गई, बहुत ही कम चेंज करेंगे, अपन इससे खरीदना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि एक कंज्यूमर ने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाने से उसकी डिमांड में क्या हुआ, बहुत ही कम चेंज हुआ है। तो इलास्टिसिटी कौन सी होगी इस मार्केट में, कौन सी होगी, लेस इलास्टिक, ठीक है ना, क्या होगी, लेस
इलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा होता है, ये अजम्पशंस भी आ सकती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की आपके, ठीक है ना। तो क्या होगा, मेनी सेलर्स एंड बायर्स बाजार में मौजूद होंगे, जब भी कंपटीशन होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, नो कंट्रोल ऑन द प्राइसेस, यहाँ प्राइस डिसाइड कौन करेगा, बायर्स करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने प्राइस बढ़ा दी कोई भी एक सेलर ने तो बायर दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर वापस उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई, ठीक है ना। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली और ड्यूपोली, चार प्रकार के मार्केट होते हैं, ठीक है ना। तो मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है, क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठ जाएगा, ठीक है ना, कि मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक ही सेलर होता है, और ड्यूपोली में दो सेलर होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, ठीक है, और ओलिगोपोली में क्या होंगे, फ्यू सेलर्स, 3 से 10 सेलर बाजार में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या होगा, तीनों मार्केट में इलास्टिसिटी क्या होगी, वो लेस इलास्टिक होगी, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है ना, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है प्रोडक्ट का। इसमें डिफरेंस मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है कि जो भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जो भी अजम्पशंस थी, ये सारी फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये क्या है, सारे क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, मतलब थोड़ा अंतर होता है, हो सकता है ब्रांडिंग का अंतर हो, ठीक है ना, कोई मोबाइल सैमसंग है तो किसी के पास कोई दूसरा है, ठीक है ना, दूसरे ब्रांड का है, लेकिन ब्रांडिंग का यहाँ डिफरेंस रहता है। तो यहाँ क्या रहते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि नो सब्स्टिट्यूशन, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट है। यहाँ तो एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन था कि वो सेम चीज़ सेम कंपनी का क्या दूसरे सेलर के पास थी, लेकिन इस केस में क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो नहीं हिलेंगे कि यही लेना है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दी तो ये क्या हो जाएंगे, दूसरी ओर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके जैसा ही क्या है मोबाइल वहाँ भी आपको मिल रहा है, हो सकता है ब्रांड अलग हो, तो ये क्या होता है, थोड़ा मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि थोड़े बहुत ऑप्शन इनके पास क्या रहता है, अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर, ओलिगोपोली में क्या होते हैं, फ्यू सेलर, ठीक है ना, और ड्यूपोली में क्या होते हैं, दो टू सेलर्स, ठीक है। अब आजकल क्वेश्चन वहां से छोड़ के क्वेश्चन यहां से उठाने लग गए, ठीक है ना। पहला क्या है, मोनोपसोनी, क्या है, मोनोपसोनी, मोनोपोली में तो क्या था, एक सेलर था, लेकिन मोनोपसोनी में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, इसमें क्या होता है, ओनली वन बायर, ठीक है ना। और आपको जब मोनोपसोनी आता है लिखा हुआ एग्जाम में, तो आप जहां पहला ऑप्शन ही मिलेगा आपको वन सेलर, तो आप उसको सही करके आते हो, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, मोनोपसोनी में क्या होता है, ओनली वन बायर, ठीक है ना। एक होती है बाइलेटरल मोनोपोली, बाइलेटरल मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही तो सेलर होगा, एक ही बायर होगा, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अब बात आती है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम क्या होती है अपनी, एनएनपी, क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या होती है अपनी, नेशनल इनकम होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो वो क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब कई बार नॉमिनल और नॉमिनल मनी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल क्या होता है, जो करंट मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उस पर जब इनकम अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नॉमिनल, ठीक है ना, चाहे कॉस्ट हो चाहे नॉमिनल इनकम हो, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में जो अपन करंट बेस पर, करंट प्राइस पर जब अपन कोई कैलकुलेट करते हैं, कोई प्राइस हो या कॉस्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉमिनल। एक होता है दूसरा रियल, ठीक है ना, क्या होता है, रियल इनकम या रियल मनी या रियल कॉस्ट। ये क्या होते हैं, कोई भी एक कॉन्स्टेंट प्राइस पर, ठीक है ना,
कांस्टेंट प्राइस पर जब अपन क्या करते हैं, ये नेशनल इनकम या कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रियल इनकम। कांस्टेंट प्राइस मतलब एक बेस ईयर के बेस पे, एक बेस ईयर डिसाइड करता है गवर्नमेंट। बेस ईयर क्या होता है कि वो है साल जिसमें क्या करता है पूरा इकोनॉमी क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, ठीक है ना। तो उस टाइम की जो प्राइस है उसको कंपेयर करते हैं आज की प्राइस पे, और वो क्या होती है, रियल मनी या रियल कॉस्ट, ठीक है ना। दूसरी आती है अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन बहुत बार आ जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या बेस्ट अल्टरनेट कॉस्ट, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मान लीजिए कि अपने पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना, एक है अपने कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा अपन कोई और जैसे ग्राउंड नट प्रोड्यूस कर रहे हैं खरीफ के सीजन में। तो अपन को लग रहा है कि ग्राउंड नट से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, कॉटन को सेक्रीफाइस कर देंगे। तो अपने पास जो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, फॉरगन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, ठीक है ना, कि जो भी अपने पास बेस्ट है उसके लिए जो चीज़ अपन त्याग करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा अपना अल्टरनेट ढूंढते हैं, वो क्या होगी अपनी अल्टरनेट कॉस्ट। अब आती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों कॉस्ट ऐड होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब बात आती है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो अपन क्या है इनपुट्स बाहर से हायर करते हैं, ठीक है ना, बाहर से हायर करके लाते हैं। जैसे अगर अपन सीड खरीद के ले आए, या फर्टिलाइजर खरीद के लाते हैं, या अपन लेबर हायर करते हैं, तो वो क्या होती है अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। आपको कई बार पूछ लेते हैं कि हायर लेबर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो किसका एग्जाम्पल है वो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि जो अपना घर की लेबर, ठीक है ना, फैमिली लेबर हो गई, या जो घर का सामान है, या घर की जो कॉस्ट है, जैसे सीड है अपने घर पे प्रोड्यूस किया, तो वो क्या हो जाएगी अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वो अपनी कोई भी प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाती है, इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाती है, ठीक है ना। अब आती है एक फिक्स कॉस्ट या इनडायरेक्ट संक ओवरहेड कॉस्ट, इनको सबको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट को, इनके दूसरे नाम है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट वह लागत होती है जो उत्पादन के साथ चेंज नहीं होती। क्या होती है, उत्पादन के साथ चेंज नहीं होती, वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है, फिक्स कॉस्ट। जैसे अपन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, या तो उसमें स्टार्टिंग में अपन कोई मशीनरी वगैरह ले आए, ठीक है ना, तो उनकी अगर प्रोडक्शन अपना मशीनरी ले आए 1 लाख रुपए लगे, ठीक है ना, अब उससे क्या अपना उत्पादन 1 क्विंटल हो, ठीक है ना, या 20 क्विंटल हो, ये लागत कभी चेंज नहीं होगी, या होगी, ठीक है ना, ये लागत कभी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या है, उत्पादन के साथ जब कोई लागत चेंज नहीं होगी या जो कांस्टेंट रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपने, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये होती है अपने उत्पादन के साथ साथ चेंज होती रहती है, उत्पादन के साथ चेंज होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं अपने, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे अपन परमानेंट लेबर है, तो परमानेंट लेबर किसका एग्जाम्पल हो गया, फिक्स कॉस्ट का, ठीक है ना। और कैजुअल लेबर आ गई तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट का, कि उसको क्या है प्रोडक्शन के साथ चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्किंग कॉस्ट भी बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, जो अपने प्रोडक्शन के साथ चल रही है, ठीक है ना, वर्किंग में है, तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी अपनी, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। अब आती है अपनी मार्जिनल कॉस्ट। क्या आती है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि मान लीजिए कि अपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं तो अपने क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट हो जाती है कोई भी उत्पादन किया उसके लिए, ठीक है ना। और टोटल कॉस्ट मान लीजिए कि अपनी 1,000 रुपये आई है, उसमें क्या फिक्स कॉस्ट 300 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट 700 रुपये, ठीक है ना। ये उत्पादन के साथ चेंज नहीं होगी, ये उत्पादन के साथ चेंज होगी, इसलिए इसको वर्किंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो दोनों को ऐड किया तो कितने, और ये 1,000 रुपये अपने खर्च करके 10 क्विंटल कोई भी चीज़ का उत्पादन किया, ठीक है ना, अपने फील्ड में। तब अपन ने 10 क्विंटल उत्पादन किया, अब अपन को बोला है कि 1 क्विंटल एक्स्ट्रा उत्पादन करना है, 10 की जगह क्या करना है, 11 यूनिट प्रोडक्शन करना है। तो अब अपन को क्या करने पड़ेंगे, 1 क्विंटल अगर उत्पादन बढ़ाना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट अपन को ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट अपन ऐड करेंगे, मान लीजिए कि 1,000 की जगह अपन अब कॉस्ट आ गई 1,200 रुपये, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1,200 रुपये। तो अब अपन ने एक एक्स्ट्रा यूनिट कोई भी आउटपुट का प्रोड्यूस किया, उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है कितनी, 200 रुपये, तो वो क्या कहलाती है अपनी, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अब देखो एक चीज यहां और देखने वाली है कि जो 1,000 रुपये थे उसमें 200 रुपये ऐड हुए तो 1,200 रुपये कॉस्ट होगी, तो ये जो 1,200 रुपये ऐड हुई है ये 300 रुपये में जो कॉस्ट ऐड हुई है या 700 रुपये में, फिक्स कॉस्ट में जो ऐड हुई है या वेरिएबल कॉस्ट में,
यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी 200 रुपये, ये किसका पार्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में अपन कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट अपन चेंज नहीं कर सकते, उत्पादन के साथ चेंज नहीं होती। तो अपन एक यूनिट एक्स्ट्रा जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसके लिए जो कॉस्ट लगी है वो किस में चेंज किया अपने? वेरिएबल कॉस्ट में चेंज किया है, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट और एड किया। इसके कारण अपना क्या हुआ, अब कॉस्ट 1000 की जगह कितनी आ गई, 1200 रुपये आ गई, जब अपन ने तो एक्स्ट्रा यूनिट 200 रुपये आ गई, तो ये क्या कहलाती है अपनी? मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट या टोटल, देखो यहाँ लिखा भी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, मतलब कोई भी एक यूनिट या दो यूनिट पांच यूनिट आउटपुट में चेंज करने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी अपनी, वो क्या कहलाएगी? अपनी मार्जिनल कॉस्ट। देखो और क्या होते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगी नहीं, ठीक है ना। अब एक होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जितनी भी एवरेज होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी एवरेज क्या होती है कि एक यूनिट आउटपुट अपन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फिक्स कॉस्ट अपन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अपन जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि 300 रुपये फिक्स कॉस्ट थी, 300 रुपये में अपने कितने 10 क्विंटल या 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 300 बाई 10, तो कितनी आ गई? 30 रुपये। अगर एक यूनिट अपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उस पर अपनी 30 रुपये फिक्स कॉस्ट आई है, कितनी? 30 रुपये। तो और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है, मान लीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी अपनी? 700, और 10 क्विंटल उत्पादन किया तो कितनी आ गई? 70। मतलब एक यूनिट अपने आउटपुट प्रोड्यूस किया तो 70 रुपये कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आई है। तो टोटल एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई? 70 और 30 कितनी होगी? 100 रुपये। तो एक यूनिट अपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई है अपनी? 100 रुपये, ठीक है ना। अब बात आती है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ कैसे चेंज होती है, और चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है ना। अब बताओ, फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन एवरेज फिक्स क्या कॉस्ट क्या होगी? प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी और हमेशा क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। मान लीजिए कि पहले 300 रुपये, तो ये तो क्या हुई? फिक्स कॉस्ट लगी थी स्टार्टिंग में ही, तब एक यूनिट अपना उत्पादन कर रहे थे तभी ये क्या थी? 300 रुपये थी, ठीक है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी उस टाइम? 300। और मान लीजिए कि 300 रुपये फिक्स कॉस्ट है और प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया? 5, तो कितनी हो गई? 60। अगर 300 रुपये है और एवरेज प्रोडक्शन बढ़ के अब कितना हो गया? 10 क्विंटल, तो कितनी होगी? 30 क्विंटल। तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अपनी क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हमेशा घटती है, ठीक है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा घटती है, और इसका कर्व बनता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का। किस शेप का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का। मार्जिनल कॉस्ट करो कट्स द एवरेज कॉस्ट करो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करो ऑन द इट्स मिनिमम पॉइंट। जब अपन कॉस्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये होगी और ये होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये होगी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एम सी होगी वो इनको क्या होगी? मिनिमम पॉइंट से कट करेगी नीचे से, ठीक है ना। पहले क्या होती है, दोनों ही घटती है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी घट रही है और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी घट रही है, तो टोटल कॉस्ट तो घटेगी, लेकिन एक टाइम आएगा मिनिमम पॉइंट आने के बाद दोनों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों क्या होती है, तीनों एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? यू शेप की होती है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो उत्पादन के साथ साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? घटेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं घटेगी, ओनली फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट घटेगी, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्रीज इन द इंक्रीज द प्रोडक्शन कर्व इन द हाइपरबोला, ठीक है ना। कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? सेम होता है किसकी तरह? लॉ ऑफ डिमांड की तरह, लेकिन यहाँ क्या होता है? प्राइस के साथ उल्टा रिलेशनशिप होता है। अब डिमांड में तो क्या कर रहा था अपन? कोई चीज़ कंज्यूमर खरीद रहा था, ठीक है ना। अगर खरीद रहा था तो प्राइस बढ़ेगी, तो अपन क्या खरीद, अपनी परचेजिंग पावर क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। और सप्लाई में क्या हो रहा है? कोई भी प्रोड्यूसर, ये किस साइड होता है सप्लाई? प्रोड्यूसर साइड। कोई भी प्रोड्यूसर क्या होगा? बेचने के लिए बाजार में ऑफर करेगा, ठीक है ना। एक दी हुई प्राइस पर क्या करेगा? बाजार में बेचने के लिए ऑफर करेगा, वो क्या होगी? अपनी सप्लाई। अगर ऑफर नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा? अपना स्टॉक हो जाएगा। अगर वो बेचने के लिए ऑफर करेगा कोई भी प्राइस पर, तो वो क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी। अब बताओ,
कि बाजार में अगर प्राइस अधिक हुई तो अपन बाजार में बेचने के लिए ऑफर ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे। अब अपन प्राइस ज्यादा हुई तो अपन उस चीज के अधिक पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, उस चीज के अधिक पैसे मिलेंगे, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, प्राइस उसमें प्राइस बढ़ेगी तो अपनी क्या होगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं ये यहाँ बोला है कि सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, कि मतलब प्राइस बढ़ेगी तो कोई भी कॉमोडिटी की सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। अब आता है कंज्यूमर सरप्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेफिनेशन पूछेगा कंज्यूमर सरप्लस की एग्जाम में 100%, ठीक है ना। क्या एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जनरल सा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस का, कि मान लीजिए आप कंज्यूमर हो और आपने बैठे बैठे ऐसे सोचा है कि ऐसा ऐसा मोबाइल आ रखा है मार्केट में और इसमें ये फीचर है, अगर वो मोबाइल मेरे को अगर 15,000 रुपये में मिल गया तो भी मैं खरीद लूँगा, क्योंकि आपके लिए उसकी क्या है, यूटिलिटी इतनी है कि 15,000 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। आप बाजार उस मोबाइल के उस वस्तु के कितना पे करना चाह रहे हैं आप, 15,000 रुपये पे करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जैसे बाजार में गए और उसकी प्राइस थी बाजार में 10,000 रुपये, ठीक है ना, कितनी थी 10,000 रुपये, तो आपके कितने रुपए बच गए। आप उसके लिए अगर वो 15,000 रुपये प्राइस थी तो भी आप खरीद के ले आते, लेकिन एक्चुअली प्राइस कितनी थी उसकी, 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, खरीद लोगे और आपके कितने पैसे बच गए, 5,000 रुपये, कितने बच गए, 5,000 रुपये। ये क्या आपका सरप्लस है, क्योंकि आप कंज्यूमर हो तो ये आपका क्या है, सरप्लस है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द व्हाट कंज्यूमर वांट टू पे, कितना पे करना चाहता था, 15,000 रुपये, ठीक है ना, कितना पे करना चाहते थे, 15,000 रुपये, कि द व्हाट कंज्यूमर वांट टू पे 15,000 रुपये, एंड व्हाट ही पे इन मार्केट, या व्हाट ही एक्चुअली पे इन मार्केट, एक्चुअली कितना पे किया, उसकी प्राइस है उतना ही पे करेगा, ठीक है ना, 10,000 रुपये, तो उसका सरप्लस कितना बच गया, 5,000 रुपये, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि क्या तो आप कोई चीज के बदले पे करना चाहते हो और क्या वास्तव में पे करके आते हो, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर का सरप्लस। अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस पर क्या फर्क पड़ेगा, मान लीजिए प्राइस 10 की जगह 11 हो गई तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एक प्रोड्यूसर सरप्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करता है उसका सरप्लस क्या होता है, उसका सरप्लस वही होता है वो घर पे जो फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रखने के बाद जो बाजार में ऑफर करता है, ठीक है ना, तो उस टाइम जो ऑफर करता है तो वो क्या होगा, प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा। और वो कहाँ जाएगा, जो उत्पादन नहीं कर रहे उनके लिए जाए, जैसे आप फार्मर है, अपन गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, गेहूं का प्रोडक्शन, गेहूं घर पे कंज्यूम करने के बाद या घर पे जितना अपन को आवश्यकता है वो रखने के बाद जो अपने पास बचा, ठीक है ना, वो क्या है, अपना सरप्लस है, कि वो अपन बेच सकते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बात अलग है कि अपन उतना बेचें या उससे कम बेचें या उसके ज़्यादा बेचें, ज़्यादा कहाँ से, फैमिली रिक्वायरमेंट वाले से, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो और जाएगा कहाँ, वो एक्चुअली में फार्मर है, अपन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपन तो खरीदेंगे नहीं, जो प्रोडक्शन नहीं करेगा वहां वो जाएगा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, जब भी कोई प्रोड्यूसर अपनी कॉमोडिटी प्रोड्यूस करके नॉन प्रोड्यूसिंग सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करवाता है तो वो क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर सरप्लस दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस दो प्रकार का होता है, एक होता है मार्केटेड सरप्लस, एक होता है मार्केटेबल सरप्लस। क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस। मान लीजिए कि मेरे पास 100 क्विंटल का उत्पादन था, मैंने 20 क्विंटल क्या कर लिया, फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख लिया, तो अब कितना बच गया बाजार में ऑफर के लिए, 80 क्विंटल, ठीक है ना। तो बाजार में जो बेचने के लिए जितना मैं योग्य हूँ, फैमिली रिक्वायरमेंट से निकालने के बाद जितना टोटल प्रोडक्शन में से जितना मैं बाजार में बेचने के लिए योग्य हूँ, वो क्या कहलाता है, मार्केटेबल। क्या कहलाता है, मार्केटेबल, की एबल, कितनी एबिलिटी है फार्मर्स की, ठीक है ना। अब हो सकता है इस 80 क्विंटल में से मैं 60 क्विंटल ही बेचूं, 80 का 80 बेच दूं और 90 बेच दूं, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन रहती है, जो एक्चुअली में बाजार में बेच के आते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने, मार्केटेड सरप्लस। क्या बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस, कि इनमें से जो जितना अपन बाजार में एक्चुअली में बेच के आ गए तो वो क्या कहलाता है, मार्केटेड
सरप्लस, तो इन दोनों का मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस का रिलेशन तीन केस में होता है कि एक केस तो ये है कि मार्केटेबल ये क्या है मार्केटेबल कि मार्केटेबल ज़्यादा है और मार्केटेड क्या है कम है। ये किस केस में हो सकता है कि अपने पास माल तो इतना है कि अपना 80 क्विंटल बेच सकते हैं लेकिन एक्चुअली में अपना 80 क्विंटल बेच 60 क्विंटल बेच के आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि या तो क्या है अपन फार्मर्स क्या है लार्ज फार्मर है, ठीक है ना, या उसके पास क्या है स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है ना, या ये रिच फार्मर है कि इसको ज़रूरत नहीं है बेचने की तो ये घर पे स्टोरेज करके रख सकता है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ जब मार्केटेबल मार्केटेड से ज़्यादा होता है तो किस किस कंडीशन में होता है कि या तो फार्मर क्या रिच है या स्टोरेज कैपेसिटी उसकी अच्छी है, और स्टोर करके कब रख सकता है जब उसके पास क्या हो वस्तु क्या हो ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल का मतलब जो वस्तु को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। एक केस आता है कि जितना मार्केटेबल हो रहा है होता है उतना ही मार्केटेड, दोनों क्या है इक्वल है, तो ये किस केस में होता है, ये होता है पेरिशेबल कॉमोडिटी के केस में। ये आ सकता है आपके क्वेश्चन पेरिशेबल कॉमोडिटी के केस में। पेरिशेबल कॉमोडिटी कौन सी होती है, नाशवान वस्तुएं जो क्या होती है जल्दी खराब हो जाती है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है, जैसे फल फ्रूट सब्जियां, ठीक है ना। तो उनको अपन महीने 2 महीने 5 महीने के लिए सब्जियों को घर पे रखते हैं क्या, नहीं रखते। जितना क्या हुआ अपने योग्य होते हैं उतना ही क्या बाजार में बेच के आ जाते हैं, चाहे डेली बेचना पड़े अपने को, ठीक है ना। तो ये किस केस में होता है, मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस दोनों इक्वल, पेरिशेबल कॉमोडिटी के केस में। तीसरा केस क्या है, मार्केटेबल क्या है कम है और मार्केटेड क्या है ज़्यादा है, कि 80 क्विंटल तो योग्य थे लेकिन अपन 90 क्विंटल बेच गए, ये 10 क्विंटल कहाँ से बेच गए, अपने फैमिली रिक्वायरमेंट में से, ठीक है ना। अगर फैमिली रिक्वायरमेंट में से बेच गया है तो ये आसानी से तो बेचा नहीं होगा कि अपने खाने के लिए रखा उसमें से ही बेच के आ गया, ठीक है ना। तो या तो क्या होगा वो छोटा किसान होगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होगा, ठीक है ना, उसके कर्जा होगा कि उसको चुकाने के लिए एक बार वो अपनी जो फैमिली रिक्वायरमेंट है उसमें से ही बेच के आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, तो ठीक है ना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने डिस्ट्रेस सेल, क्या बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो डिस्ट्रेस सेल में क्या होता है, मार्केटेड मोर देन मार्केटेबल सरप्लस, तो वो कंडीशन कौन सी होती है डिस्ट्रेस सेल या स्मॉल फार्मर आल्सो, ठीक है। अब बात आती है फार्म मैनेजमेंट की, ठीक है ना। फार्म मैनेजमेंट में क्या है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्या है पहला, तीन लॉ है, फैक्टर फैक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट और फैक्टर फैक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट और फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना, तीन है। अब इसमें मेन चीज ये आती है कि फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप होता है वो किस लिए होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट किस लिए होता है और आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप किस लिए होता है। तो सबसे पहले बस इतना याद रखना है आपको, जो फैक्टर फैक्टर रिलेशन होता है वो किसके लिए होता है, कि अपन को हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरह से उत्पादन करूँ, कौन से टेक्निक अपने काम में लूँ कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि मेरी कॉस्ट क्या हो कम हो। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए या लिस्ट कॉस्ट मेथड या कॉस्ट लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए अपन कौन सा प्री सिंपल यूज करते हैं, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, ठीक है ना। फार्मर्स पर अब ऐसा नहीं है कि फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो उत्पादन बढ़ा के ही बढ़ाया जाए, हो सकता है उसको कॉस्ट कम करके भी अपन क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। दूसरा है अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, कि दो अपने पास ऑप्शन है, ठीक है ना, उन दोनों ऑप्शनों में अपन कौन सा ऑप्शन चूज करें ताकि अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हो। यहाँ तो क्या अपने पास दो फैक्टर है, ठीक है ना, कि फैक्टर को कौन से फैक्टर को यूज करूँ ताकि अपने क्या हो कॉस्ट क्या हो कम हो, कॉस्ट मिनिमम हो जाए। लेकिन यहाँ क्या अपने पास है दो प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो अपन को चूज करना है एक उत्पाद जिससे अपना क्या हो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक अभी का एग्जांपल बहुत ही करंट का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, कि पहले क्या करते थे अपन, अगर 10 बीघा भूमि है अपने पास तो अपन क्या करते थे 6 या 7 बीघा में गेहूं या 3 या 2 3 बीघा में मस्टर्ड करते थे। लेकिन इस बार क्या किया था अपन, फैक्टर दो थे अपने वही फैक्टर थे, लेकिन क्या किया था अपने मस्टर्ड का एरिया ज़्यादा रखा था और वीट का कम रखा था, क्योंकि दो प्रोडक्ट क्या किया था अपन ने एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किया था। किस लिए किया था, क्योंकि क्या थी मस्टर्ड के एक तो प्राइस अच्छी थी, ठीक है ना, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नया सीड आने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, इसलिए अपन क्या चाह रहे थे अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हो, इसलिए क्या कर रहे थे अपन दो प्रोडक्ट को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। वो क्यों करते हैं अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। अब तीसरा आता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप,
ठीक है ना, अपने पास आ गया हाउ टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस, दोनों का अपन को सोल्यूशन मिल गया। लेकिन एक चीज़ और आती है, क्या कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि जो अपने रिसोर्सेज है, ठीक है ना, अपने जो रिसोर्सेज है उनको कहाँ तक अच्छे से यूटिलाइज होते हैं वो, ठीक है ना। आपने पढ़ते हैं ना क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, कि सेकेंड जोन में सेकेंड जोन तक प्रोडक्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है, अपना उत्पाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। अब अपन को इंडिकेशन दे देता है कि अपना उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, कि अपने रिसोर्सेज इनफिशियंट होने स्टार्ट हो गए, इफिशियंसी उनकी कम हो गई, तो वहाँ तक अपन को प्रोडक्शन करना चाहिए सेकेंड जोन तक, ठीक है। तो वो कौन बताता है, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या बताता है, कि अपने जो फैक्टर्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस स्टेज तक होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज के लिए कौन सा काम में लेते हैं अपने, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। अब बात आती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन में क्या है, थोड़े टाइम के लिए अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहे तो अपन क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, कुछ क्या होते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने ट्रैक्टर लेके आए हैं, या कोई भूमि है, या बिल्डिंग बनाई है, या इंश्योरेंस करवाया है, या हायर परमानेंट लेबर है, वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन कुछ फैक्टर है जो फर्टिलाइजर है, सीड है, वो क्या चेंज होंगे। तो शॉर्ट रन में क्या होते हैं, कुछ फैक्टर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, और कुछ क्या करते हैं, वेरी रहते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए अपने प्रोडक्शन करना चाहें लंबे टाइम के लिए, तो क्या होता है, अपने सारे फैक्टर क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अगर 10, 12, 15 साल है तो वो क्या करें, वहाँ तक वेरी करते रहेंगे। ट्रैक्टर भी दूसरा ला सकते हैं, बिल्डिंग भी दूसरी बना सकते हैं, लेबर जो परमानेंट रखी थी वो 20 साल, 10 साल, 5 साल में चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होते हैं, सारे फैक्टर वेरी करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होती है, ओनली फॉर वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। अब जैसे अपन ने वहां पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना, तो यहाँ अपन उत्पादन इनपुट आउटपुट का रिलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ अपने आएगी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कि कोई परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ठीक है ना, अगर अपन कोई भी परसेंटेज चेंज करेंगे इनपुट में, उसकी वजह से अपना आउटपुट कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी अपनी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट टू एवरेज प्रोडक्ट। अगर इसको देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट को क्या बोलते हैं, वाई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन एक्स, क्यों एपी बाई एमपी कैसे आया है, ठीक है ना, एमपी बाई एपी कैसे आया। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके दोनों को बीच का डिफरेंस, कि पहले कितना था और अब कितना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल वाई कि कितना चेंज हुआ, और अपन जब भी कोई चेंज देखते हैं तो वो किससे कंपेयर करते हैं, इनिशियली वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इनिशियली वैल्यू बना ले तो, कि आप अगर कोई फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मिलते हो, ठीक है ना, तो वो अगर थोड़ा सा मोटापा बढ़ गया उसका, तो आप क्या बोलोगे, यार तू मोटा हो गया, मतलब आपने पिछले जो पीछे आपने देखा था उसको उससे कंपेयर किया है, कि उसके कंपेयर में तू क्या हो गया, अब थोड़ा मोटा हो गया। तो उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो पहले आउटपुट था उससे कंपेयर करेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कितना परसेंट आउट इनपुट चेंज किया, ठीक है ना, तो क्या होगा, चेंज इन एक्स बाई एक्स, ठीक है ना, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई वाई, उसको ओपोजिट करेंगे तो क्या हो, एक्स बाई डेल एक्स, अगर डेल डेल को एक साइड कर लिया, डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू एक्स बाई वाई, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है, एमपी होता है, क्या होता है, एमपी, कि एक यूनिट आउटपुट की चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज हुआ वो क्या होता है अपना एमपी। डेल वाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं अपने, एमपी, और एपी क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन वाई बाई एक्स, ठीक है ना, वाई बाई एक्स मतलब जो टोटल आउटपुट होगा उससे अपन टोटल इनपुट जितने भी यूज किए थे उससे डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट जो इनपुट यूज करके जो आउटपुट प्राप्त हुआ वो निकल के आता है, ठीक है ना। तो अब यहां देखो, डेल वाई बाई डेल एक्स तो क्या हो गया, एपी हो गया, और ये क्या है, एक्स बाई वाई, उल्टा है किसके, एपी के, एपी क्या है, वाई बाई एक्स, तो उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ये वन बाई एपी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वन बाई एपी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एमपी वन बाई एपी, तो क्या हो जाएगा, एमपी बाई एपी। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या निकल गया, आएगी एमपी बाई एपी, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट टू एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसने इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर ये संख्या ज़्यादा है और ये कम है तो आने वाली संख्या क्या आएगी बताओ, ठीक है ना, अगर ये संख्या ज़्यादा है और ये कम है तो आने वाली संख्या क्या होगी,
ठीक है ना, ये मान लीजिए 5 है और ये चाहे 4.4.9 ही हो, लेकिन आने वाली संख्या क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी, शोर सी बात है, ठीक है ना। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है, मान लीजिए कि वो 4 है और ये 5 है नीचे ए पी, तो क्या होगी, एक से कम। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या आएगा, एक, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर रहा है कि ए पी इक्वल्स टू एम पी, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो रेशियो होता है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, एक आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक होगा। जब ए पी ज़्यादा है और एम पी कम है तब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, जब क्या होगा, एम पी तो कम है और ए पी ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या निकल गया, आएगा एक से कम। दूसरा क्या है, एम पी ज़्यादा है और ए पी कम है, ये तो क्या है, ज़्यादा है और ये कम है, मान लीजिए ये 5 है और ये 4 है, तो आने वाली संख्या क्या आएगी, मोर देन 1, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा यहाँ, मोर देन 1। अगर ये एम पी 0 है, मान लीजिए कि एम पी 0 है, ये चाहे कितना ही हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, तो आने वाली संख्या क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो एम पी 0 है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा अपना, 0 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों का रेशियो होता है, ठीक है ना। अब ग्राफ में अगर इतना टाइम होता अपने पास तो ग्राफ बना के बताता, तो उसमें आपको पता चल जाता कि कौन से स्टेज में एपी ज़्यादा है, कौन से स्टेज में एमपी ज़्यादा है। तो हाँ, ग्राफ से देखते ही अपन को पता चल जाता कि हाँ, यहाँ इस स्टेज में इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा है और एक से कम है। अगर एमपी नेगेटिव है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये नेगेटिव 4 है और ये 10 है, तो भी क्या आएगी संख्या, नेगेटिव में कितनी भी हो, तो एमपी नेगेटिव है तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप दो प्रकार से, ये क्या होता है, एक तो शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन में जितने भी आपके लॉ ऑफ रिटर्न्स है वो आते हैं, और लॉन्ग रन में क्या है, रिटर्न टू स्केल है वो आते हैं, ठीक है ना। तो रिटर्न टू स्केल होंगे जितने भी, जैसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो वो सारे किस में आएंगे, लॉन्ग रन में आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्या, जितना भी अपना इनपुट का स्केल है, एक जैसे वाई का आउटपुट फंक्शन है किसका, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स एन, ये पूरा स्केल है। इन चेंज, इसके चेंज होने के कारण क्या होगा, अपना आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि ये सारे चेंज होंगे, इनपुट सारे किस, कौन से प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज होते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। और जितने भी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये किसका है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को, लॉ वेरिएबल प्रोडक्ट, इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा रिलेशन प्रोडक्ट और फैक्टर के बीच में, ठीक है ना, वही सेम बात इसमें होगी, जहाँ आपने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था ना कि जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ सेम चीज़ इसमें होगी, देखो वहाँ तो यूटिलिटी की बात हो रही थी, कंज्यूमर की बात हो रही थी, यहाँ अपने क्या हो रही है, एक प्रोडक्शन की बात। जहाँ क्या होगा, एम पी 0 होगा, टी पी क्या होगा, मैक्सिमम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम पी क्या होगा, 0 होगा, तो टी पी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, या टी पी मैक्सिमम होगा, जहाँ एम पी क्या होगा, 0 होगा, न कि मिनिमम होगा, ध्यान रखना कि मिनिमम भी नहीं होगा। देखो एवरेज प्रोडक्ट, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन एवरेज प्रोडक्ट कट्स द एम पी, करो और दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। जैसे ये टी पी हो गया, ये एम पी हो गया और ये ए पी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ए पी क्या होता है, ये ए पी हो गया, ये एम पी और ये टी पी। यहाँ देखो एम पी ए पी यहाँ मैक्सिमम होता है और ए पी यहाँ मैक्सिमम होता है और एम पी इसको कट करता है, और कट करते ये दोनों क्या हो जाते हैं, ए पी और एम पी इक्वल्स हो जाते हैं। और दोनों इक्वल्स होंगे तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, एक के बराबर होगी, ठीक है ना। और जहाँ क्या होगा, ए पी ज़्यादा होगा एम पी से, तो एम पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ देखो ए पी क्या है, ज़्यादा है, और एम पी क्या है, कम है, तो एम पी और ए पी दोनों भी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करें। व्हेन ए पी लेस देन एम पी, जस्ट यहाँ क्या है, ए पी क्या है, कम है, और एम पी क्या है, ज़्यादा है पहले जोन में, तो क्या हो रहा है, एम पी इनक्रीज, ठीक है ना, और ए पी टू दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एम पी क्या होगा, लास्ट में जाके घटेगा भी, ठीक है ना। जब एम पी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, टी पी करो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ एम पी क्या होगा,
मैक्सिमम होगा, जहाँ टीपी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये अगर घटने लग गया तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेम चीज़ किस वाली, टीयू जब क्या हो जाता है अपना, घटने लग जाता है तो एमयू क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ क्या, टीपी जब घटने लग गया तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ स्टेटिस्टिक्स की मेरे पास। टेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आज जिसके एग्जाम है उसके लिए स्पेशल, ठीक है ना। अब स्टेटिस्टिक्स में टेस्ट है, टेस्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो टेस्ट से एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक काई स्क्वेयर टेस्ट भी है, ठीक है ना। काई स्क्वेयर टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और ये तीनों क्या है, एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है ना। तीन ये दे देंगे, एक काई स्क्वेयर टेस्ट दे देगा, तो आपको क्या होगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होगा, ये होंगे, और काई स्क्वेयर, ओ सॉरी, काई स्क्वेयर टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक, ये क्या, पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखो टी टेस्ट और इनका कंपेयर, टी टेस्ट किसने दिया था, गोसेट ने दिया था, ये दोनों किसने दिए थे, फिशर ने दिए थे। अब टी टेस्ट और एफ टेस्ट क्या है, दोनों स्मॉल साइज टेस्ट है, दोनों क्या है, स्मॉल साइज टेस्ट है। यहाँ सैंपल साइज अपन को क्या करेंगे, 30 से कम रखेंगे, ठीक है ना। जब अपने पास 30 से कम सैंपल साइज होगा तब अपन क्या काम में लेंगे, अप टेस्ट और टी टेस्ट। अगर 30 से ज़्यादा है तो कौन सा काम में लेंगे, जेड टेस्ट, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टी टेस्ट कब काम में लेते हैं, जब पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशियंट अपने पास जीरो हो, दोनों इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो। कोरिलेशन कोफिशियंट जीरो कब होता है, जब दो भी पॉपुलेशन क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, दोनों इंडिपेंडेंट हो। और पॉपुलेशन ऑफ कोरिलेशन जब जीरो नहीं हो तब कौन सा अपन काम में लेंगे, जेड टेस्ट, ठीक है ना। और जब टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन को अपन क्या करना हो, टेस्ट करना हो, तब अपन क्या में क्या लेते हैं, अप टेस्ट, ठीक है ना। दूसरी चीज, टी टेस्ट में अपनी जो वेरिएंस होती है वो क्या होती है, अननोन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अप जेड टेस्ट में क्या होती है, नॉन होती है, लेकिन जब अपने पास सेम वेरिएंस होती है तब अपन कौन सा काम में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा काम में लेते हैं, एफ टेस्ट, ठीक है ना, कौन सा काम में लेते हैं, एफ टेस्ट। और एक एफ टेस्ट और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टेस्ट ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन के लिए कौन सा काम में लेते हैं अपन, एफ टेस्ट काम में लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है अपने रेंज से, ठीक है ना, तो कोरिलेशन कोफिशियंट की रेंज कितनी होती है, याद रखना, -1 to +1, -1 to +1। जब दो वेरिएबल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे या एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो वहां क्या होगा, अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो होगा, कि उनके दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब आएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट का मान, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है -∞ to +∞। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको दोनों को कंफ्यूजन किस में रहता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्लस एक रेंज उसमें आपको ऑप्शन में दी होगी 0 to 1, कितनी दी होगी, 0 to 1। आप वहां क्या करते हैं, मात खा जाते हैं कि पहला ऑप्शन वो आता है 0 to 1, तो आप वो करके आते हैं। तो याद रखना कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज कितनी होती है, -1 to +1, और रिग्रेशन कोफिशिएंट की कितनी होती है, -∞ to +∞, ठीक है ना। अब टेस्ट में रेंज कहाँ से होती है, 0 से ∞, और काई स्क्वेयर टेस्ट की 0 to 1, ठीक है ना। अब दो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन और लैटिन स्क्वायर डिजाइन, इन दोनों की क्या आती है अपनों को, डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम हो दोनों की आती है, ठीक है ना। तो आरबीडी का क्या होती है, R-1 into R-2, ठीक है ना, सॉरी R-1 by T-1, ठीक है ना, आर माइनस, क्योंकि आर क्या होता है, रेप्लीकेशन, और टी क्या है, ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो अब इसमें कभी कभार दे देते हैं कि कोई भी रेप्लीकेशन 5 है और ट्रीटमेंट 7 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो कितनी होगी, R-1 और T-1, तो R-1 कितना हो गया, 4 into 6, तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ लेते हैं। दूसरी चीज, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ये क्या था, R-1 और R-2, इसमें क्या रहता है, लैटिन स्क्वायर नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें अपने ट्रीटमेंट और रिप्लिकेशन क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, ठीक है ना, इक्वल होते हैं, लेकिन जब अपना ट्रीटमेंट क्या हो 5 से 8 हो तो ये क्या हो रहता है, सूटेबल रहता है। हाँ 12 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 से 8 तक क्या है, ये सूटेबल है। लेकिन ये अगर 20 तक आपके ट्रीटमेंट है तो क्या है, काम में ले सकते हो। ये है आपके आज का इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है ना। और यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो अपना जूस है इकोनॉमिक्स का, ये सारा ये है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।